सर ये वाला हेलो। चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है, ये इसका क्या लाइन बाय लाइन कवर करेंगे? हेलो, गुड आफ्टरनून। सीआईबी की आज ये सेकंड क्लास है और टॉपिक वास्तव में काफी लंबा है, लेकिन उसको उस तरह से कवर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे फेमा है, कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं, जो की पॉइंट होंगे उसी पर थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो जो टाइम अवेलेबल है इस टॉपिक को आज काफी कुछ गो थ्रू करना है, तो एक्सप्लेनेटरी नहीं है, फैक्ट ज्यादा है इसमें, तो इसलिए लाइन टू लाइन जहां पर भी हम कंसंट्रेट कर सकते हैं करेंगे। कुछ चीजों को जिनको मैं इंडिकेट करूंगा उसको बाद में आप एक बार हल्का सा देख लीजिएगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, लोग आ गए हैं काफी। और काफी लोग अभी भी नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? या तो वो खुद पढ़ें, कोई मेरे को शिकायत नहीं, लेकिन जब खुद नहीं पढ़े तो आ जाओ, कुछ सुनने मिले, क्या पता क्वेश्चन पहचाना पहचान आ जाए, आंसर ना भी आए तो क्वेश्चन तो कम से कम पहचानने में आना चाहिए कि हाँ ये कौन से टॉपिक से चैप्टर आ गया। चलिए हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज चलिए, ये BFM का जो हमारा ए मॉड्यूल है, इसके ए मॉड्यूल के चैप्टर्स कंटिन्यू जो कर रहे हैं हम, उन कंटिन्यूशन में ये यूनिट नंबर 7 है और ये कई पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे इसमें एग्जिम बैंक के बारे में दिया हुआ है और RBI के जो भी रेगुलेशंस हैं हमारे फॉरेस्ट रिलेटेड वो हैं इसमें, और उसके अलावा इसमें एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ इन इंडिया, फेमा और फेडाई जो एक्सचेंज कंट्रोल करती है, और अदर्स कुछ स्पेसिफिकेशंस है। तो एक्सिम बैंक, जैसे कि हमें ये तो मालूम है कि एक्सिम बैंक क्या करता है, एक्सिम बैंक हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों को प्रमोट करने का काम करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों को प्रमोट करने का काम करता है। 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है? और ये एक्सिम बैंक एक काम और करता है, कभी कभी वो किसी बाहर के इम्पोर्टर को भी हेल्प करता है। उसका रीजन ये है कि अगर वो इम्पोर्टर इंडिया के एक्सपोर्टर से गुड्स लेता है तो उसको भी वो फाइनेंस करता है, और एक्सपोर्ट को तो करता ही है। ECGC जो है गारंटी कवर करता है, एक्सिम बैंक फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो फंक्शन एंड ऑपरेशन की बात करेंगे अगर इसकी हम, एक तो कॉम्पिटिटिव रेट पे उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट और कंडीशन थोड़ी सी लिबरल होती हैं गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है? और उसके अलावा एडिशनली फाइनेंस अल्टरनेट फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, डेटा इंफॉर्मेशन और एडवाइस प्रोवाइड करता है जो एक्सपोर्ट लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सेलेक्टिव प्रोडक्शन मार्केटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्ट टू मेक, जो प्रोडक्शन है किन चीज़ों का प्रोडक्शन हमें ज़्यादा करना चाहिए और उसको बाहर मार्केटिंग के लिए फाइनेंसिंग फॉर इंडियन प्रोडक्ट, ये सब हेल्प करता है, ठीक है? एक्सपोर्टर की एक्सपोर्ट जो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की उनको देख के रिसर्च करके उन पे हेल्प करने की काम करता है। अब देखो यहाँ पर आया ये बायर्स क्रेडिट, तो बायर्स क्रेडिट हमको एक बात पता है
कि जो बायर होता है उसके लिए क्रेडिट दिया जाता है, बायर के लिए क्रेडिट दिया जाता है। अब अगर हम बायर के लिए क्रेडिट देंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करता जो क्लोज के बेसिस है है, यहां से देखिए इसको, सर। व्हाइल और इंडियन कंपनीज अवेल द बायर्स क्रेडिट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर इंपोर्ट एट कॉम्पिटिटिव लिबोरेट। तो इंडियन, जो इंडियन कंपनीज हैं वो बायर्स क्रेडिट कैसे लेती है, देखो, सेलर बायर। अब यहाँ इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन कंपनी बाहर वाले को सपोर्ट कर रही है, अवेल्स बायर्स क्रेडिट फ्रॉम अदर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू फाइनेंस देयर इम्पोर्ट। गलत तो इसको हम इस तरह से कर मानेंगे, यहाँ पर इंडिया हो जाएगा, ये इम्पोर्टर है, ये जो इम्पोर्टर है ये इंडिया में है। तो ये जो हमारा इंडियन कंपनी है वो क्या करेगी, यहाँ से मदद ले रही है फॉरेन में जाकर। इंडियन कंपनी फॉरेन किसी बैंक से सप्लायर को पेमेंट रहा करती है, तो बायर्स क्रेडिट का हमेशा आप देख लो कि मिलता बायर को है, कर लेकिन मिलता सेलर की कंट्री में, सर, बीच मिलता बायर को है। में डिस्टरबेंस हो रहा है सर जी। अभी मैंने म्यूट कर दिया है, तो भी शायद नहीं होगा डिस्टर्बेंस। एक आवाज, फैन, तो बायर्स क्रेडिट हमने समझा दिया। बायर्स क्रेडिट होता है जो इंपोर्टर होता है, बायर होता है, उसको वो फैसिलिटी किसके, सप्लायर की कंट्री में मिल जाए अगर, ठीक है, क्योंकि वो अपने ही कंट्री में लेगा तो इंपोर्ट क्रेडिट हो जाएगा, फिर वो बायर्स क्रेडिट नहीं होगा। कॉरपोरेट बैंकिंग की बात करते हैं, एक्जिम बैंक ऑफर वेरियस फाइनेंसिंग प्रोडक्ट टू कॉरपोरेट, यानी जो एक्जिम बैंक है वो कॉरपोरेट बैंकिंग प्रोवाइड कराता है। अब कॉरपोरेट बैंक में क्या, आरएनडी कराएगा प्रोवाइड, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट प्रोग्राम चलाता है, लैंडिंग प्रोग्राम भी करता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, सबको नहीं, ठीक है, इम्पोर्ट फाइनेंस पर, क्योंकि उसका नाम है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो वो इम्पोर्ट फाइनेंसिंग भी करता है। और कई बार इम्पोर्ट फाइनेंसिंग इसलिए करता है कि कुछ चीज बाहर से रॉ मटेरियल इम्पोर्ट हो रहा है लेकिन यहाँ फर्निश होके, फिनिश गुड होके एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए उस इम्पोर्टर को भी मदद करता है, लेकिन प्योर इम्पोर्टर को मदद नहीं करता है। जिम में प्योर इम्पोर्टर मीन्स जो सिर्फ क्या कर रहा है, या फॉरेन से कुछ गुड्स प्रोक्योर कर रहा है और कंज्यूम कर ले रहा है, उसको नहीं प्रमोट करता। इक्विपमेंट फाइनेंस, प्रोडक्शन के इक्विपमेंट को फाइनेंस करता है, स्पेशल पर्पज व्हीकल ऑफ ए क्लस्टर ऑफ एसएमई, एसएमई के क्लस्टर में स्पेशल पर्पज मतलब एक स्पेशल काम के लिए बनाया गया होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, उसको एसपीवी बोलते हैं। लैंडिंग प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग क्रिएटिव इकोनॉमी, फाइनेंस फॉर ग्रास रूट एंटरप्राइज। अब लाइन ऑफ क्रेडिट, तो अभी मैंने लास्ट चैप्टर बताया था, लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है, लाइन ऑफ क्रेडिट हम किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन को, वहां की गवर्नमेंट को, वहां पे किसी को जब हम लोन फाइनेंस करते हैं तो उसको हम लाइन ऑफ क्रेडिट दें। तो एक्जिम बैंक एक्सटेंड टू एलओसी टू ओवरसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रीजनल डेवलपमेंट बैंक, सोवरेन गवर्नमेंट एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज टू इनेबल बायर्स टू दोज कंट्री इंपोर्ट डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट गुड्स सर्विसेज फ्रॉम इंडिया ऑन डेफर्ड। तो जो लोग, किस इंपोर्टर को मदद कर रहा है, बाहर वाले को मदद कर रहा है, वो बाहर वाला इंडिया से प्रोडक्ट उठा रहा है, ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस इसे बोलता है, दे इनकरेज द एंड फैसिलिटेट कंडीशन फॉर इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट अब्रॉड सीकिंग रिसोर्सेस मार्केट एफिशिएंसी, मतलब ये वो बाहर इन्वेस्ट करें और वहां से रिसोर्सेस को इंडिया लाएं, और रिसोर्सेस इंडिया लाएंगे तो क्या होगा,
प्रोडक्शन होगा, एक्सपोर्ट होगा, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करता है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करता है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, चाहे वो सिविल इलेक्ट्रिकल। आपने देखा होगा जो ये मेट्रो का है, बड़ी बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन डेवलप करी जाती हैं वो हैं, और ये हमारा ऑल वेदर रोड के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो चीज़ें। दिस इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट रिलेटेड टू, अब बड़े बड़े इक्विपमेंट लाने के लिए फाइनेंस करता है वो, ठीक है। दे ऑल्सो सपोर्ट एग्जिस्टिंग और न्यू प्रोजेक्ट प्लांट एंड प्रोसेसेस दैट रिक्वायर एडिशनल असिस्टेंट इन प्रोसेसेस सच एज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग इंक्लूडिंग मल्टीलेटरली फंडेड प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो वो कई बार क्या करता है, ऐसे प्रोजेक्ट भी उठाता है जो मल्टीलेटरल प्रोडक्ट है। मल्टीलेटरल का मतलब है जिसमें दो से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, ऐसे फंडेड प्रोजेक्ट जो होते हैं इंडिया में वो करता है, ठीक है। दे एक्सटेंड फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटी फॉर, फंडेड भी करता है नॉन फंडेड भी करता है। कौन से प्रोजेक्ट को, सिविल और कंस्ट्रक्शन को। टर्न की प्रोजेक्ट, टर्न की प्रोजेक्ट जैसे मेट्रो, जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो किसी कंट्री की पोजीशन को बहुत ज़्यादा, जैसे किसी कंट्री में वाले रोड का, रोड्स बनानी बहुत सारे, तो टर्न की प्रोडक्ट, कहीं डैम बनाना है टर्न की प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है। टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सप्लाई, अच्छा, अदर सर्विसेज प्रोग्राम में क्या होता है, कंसल्टेंसी देता है टेक्नोलॉजी के लिए। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस का मतलब हमने पहले बता दिया था कि बाहर पैसा देना, ठीक है। कॉरपोरेट इंटरेस्टेड इन जॉइंट वेंचर अब्रॉड, बाहर पैसा लगाना चाहते हैं उनको मदद करता है। इम्पोर्ट लोन पे मैंने बताया था करता है टू बी एग्जीक्यूटेड इन फॉरेन कंट्री। इम्पोर्ट लोन वो दूसरी कंट्री में दे रहा है, और इसलिए दे रहा है कि वो इम्पोर्ट भारत से कर रहे हैं, यानी भारत से कोई चीज़ जा रही है उनके पास, ठीक है। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग करता है। इंक्लूड फॉरेन करेंसी फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विस फॉर रेजिंग लो कॉस्ट फाइनेंस फॉर प्रोजेक्ट अब्रॉड टू बी एग्जीक्यूटेड इन इंडिया। तो कई बार क्या होता है, कोई मान लिया इंडिया की कोई कंपनी जापान में काम कर रही है, उसके पास पैसा नहीं है, तो ये एग्जिम बैंक किसी और कंट्री से सपोर्ट करके, टाई अप करके हमारे इंडियन बंदे को लोन प्रोवाइड कराता है। एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, एग्जिम बैंक इज द नोडल एजेंसी डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मैनेज एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड ईएमएफ टू एक्सेलरेट द एक्सपोर्ट ग्रोथ ऑफ टारगेट प्रोडक्ट्स विद इंडस्ट्रियलाइज्ड मार्केट। अब इसमें देखो क्या क्या चीजें हैं, देखो EMF 1 एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड, ठीक है, EMF 2, ठीक, और EMF 3, तीन तरह के फंड बना रखे इंडिया। तो इसमें पहला क्या है, वाज ए कंपोनेंट टू वर्ल्ड बैंक लोन टू इंडिया ऑफ $250 million फॉर इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरा है ये बुक में देखना 37 लिखा हुआ है, इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन इंडिया टू फॉर एग्जिम बैंक हैज ऑल्सो लोन द, ये USD कितना लिखा हुआ है, अब बोलिए 37 ही लिखा हुआ है, थोड़ी ऑड सी फिगर लग रही थी मैंने इसलिए क्रॉस चेक किया, ठीक है। EMF 2 में आते हैं $37 million इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक लोन इंडिया और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। एक्सिम बैंक ऑल्सो लॉन्च एक्सपोर्ट मार्केटिंग फाइनेंस फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। तो पहले के दो रिसोर्सेज में तो वो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से कर रहा है, और दूसरे वाले में वो खुद भी अपने फंड बना रखे हैं उसने, ठीक है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड बना रखे। और EMF जो सपोर्ट करता है वो कौन कौन सी सर्विसेज सपोर्ट करता है, डेस्क रिसर्च, ओवरसीज फील्ड मार्केट रिसर्च, माइनर प्रोडक्ट एडेप्टेशन, ओवरसीज ट्रेवल, प्रोडक्ट इंस्पेक्शन सर्विसेज और ट्रेनिंग। ये सारी फंडिंग जो है, ये सारी फैसिलिटी एग्जिम बैंक प्रोवाइड करता है। इस्टेब्लिशिंग ओवरसीज ऑपरेशन, ओवरसीज में जो ऑपरेशन होते हैं उनको, जैसे ट्रेवल टू इंडिया बाई ओवरसीज बायर। अब ओवरसीज बायर है, हम कह रहे हैं कि भैया हिमाचल में आओ, यहाँ से एप्पल ले जाओ, तो हम उनको टिकट भी दे रहे हैं, वीजा भी दे रहे हैं उनके ट्रेडर को,
ताज होटल में रुकवा भी रहे उनको, वो सारे खर्चे खुद ही, क्योंकि वो अल्टीमेटली इंडिया से एक्सपोर्ट करेंगे, इंडिया से सामान ले जाएंगे, ठीक है। फ्रंट एंड प्रोग्राम एक्सपेंडिचर, जो भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रमोशनल प्रोग्राम होंगे उन सबके एक्सपेंडिचर बियर करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, इक्विपमेंट एंड फॉर प्लांट मॉडर्नाइजेशन, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन और कैपेसिटी एनहांसमेंट के प्लांट को स्टेब्लिश कराता है, टूलिंग एंड जिग्स फॉर एंड फ्यूचर। टूलिंग एंड जिग्स एंड फिक्सचर का मतलब यह है, एक तरह से समझ लो जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या किसी डैम बनाने में, रोड्स बनाने में बड़े बड़े जो बुलडोजर हैं, मशीन्स हैं, इनको अवेलेबल कराता है, टूल्स अवेलेबल कराता है, ठीक है। टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल और उनकी इक्विपमेंट की टेस्टिंग क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस PLI, आपने एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम देखी होगी PLI, तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस में क्या है, रिजल्टिंग ए लार्ज नंबर ऑफ द फोर्सेस एक्सपोर्टर टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ अगेंस्ट रिस्क ऑफ इंसिडेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी थ्रू प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर्ड बाई द इंश्योरेंस कंपनी एज द कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम इज हाई। तो जो और कंपनी होती हैं उन कंपनियों की प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस की प्रीमियम ज्यादा होती हैं, तो उसके लिए एग्जिम बैंक PLI प्रोग्राम एनेबल्स द एक्सपोर्टर मार्केट एंट्री अफोर्ड बाय शेयरिंग इनिशियल कॉस्ट ऑफ PLI प्रीमियम। तो मतलब बहुत छोटी कॉस्ट पर वो उनको PLI, जबकि PLI जो है और उसमें अवेलेबल है और कंपनियों में, लेकिन ये इसको सस्ते प्रोडक्ट के रूप में प्रोवाइड करता है। रजिस्टर्ड इंडियन एक्सपोर्टर एंडेवरिंग टू एक्सपोर्ट टू OECD। OECD क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनको अगर कोई एक्सपोर्ट किया हुआ है तो उन कंट्रीज को ये इस PLI वाले प्रोग्राम में उनको एलिजिबल कहा गया है। एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लैंडिंग प्रोग्राम, अब सिंपल बात है कि कोई भी वेंडर जो एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटी करना चाहता है तो उनको डेवलपमेंट करने के लिए लैंडिंग प्रोग्राम, जैसे डोमेस्टिक में ये SHG के थ्रू फाइनेंसिंग होती है, PMEGP के थ्रू फाइनेंसिंग होती है ना, उस तरह से। एक्सपोर्टर्स आर ग्रांटेड रुपी लोन फॉर इंप्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक वेंडर डेवलपमेंट प्लान्स, ठीक है, फॉर इंक्रीज सप्लाई ऑफ एक्सपोर्टेबल गुड्स, जिससे उनको जो रॉ मटेरियल वगैरह वो मिल पाए और वो ज्यादा प्रोडक्शन करें। इसमें क्या क्या होता है? एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी, मशीनरी दिलवाना, टूल मॉड्यूल्स जिग्स डाई है, जो भी उसके लिए सप्लीमेंट्री टूल्स होते हैं वो चाहिए, कोर वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कराना, सॉफ्ट एक्सपेंडिचर वेंडर डेवलपमेंट सच एज वेंडर ट्रेनिंग टेक्निकल असिस्टेंस, ये भी कराता है, ठीक है। EVDLP स्कीम्स टू एक्सपोर्ट लार्ज वॉल्यूम थ्रू आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेंडर्स, जिसको सब सप्ला। अब आउटसोर्सिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेंडर्स का मतलब क्या हुआ कि आपका वेंडर है उसको कुछ सामान दूसरे से लेना पड़ता है, तो वो उसी का सब वेंडर कहलाएगा, तो उनकी कैपेसिटी एनहांस करने के लिए। दस एग्जिम बैंक एज ए स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हैज बीन अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटी बिसाइड फाइनेंसिंग सपोर्ट, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर ये सारी चीजें एक्सिम एग्जिम प्रोवाइड करता है। KIM बैंक, अब KIM नहीं एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम टू अदर कंट्री। तो ये हमने पहले ही बात करी कि लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोग्राम अदर कंट्री के लिए होता है, और इसके लिए क्या होता है, द बेनिफिशियरी गवर्नमेंट गेट ए लॉन्ग टेन्योर 3 to 5 ईयर टू पे द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दस अलाउिंग देम टू डेफर पेमेंट। यानी कोई बाहर की गवर्नमेंट अगर यहाँ के एक्सपोर्ट गुड्स को ले जा रही है तो उस कंडीशन में वो उनको 3 to 5 ईयर के लिए लॉन्ग टर्म में उनको फाइनेंसिंग कराता है कि भाई ठीक है बाद में दे देना, किस्तों में दे देना, इस तरह से। द एक्सपोर्टर गेट ऑर्डर फ्रॉम द ऑपरेटिंग एजेंसी इन द बायर्स कंट्री। तो कोई बायर्स की कंट्री में यहां यहां से कुछ ऑर्डर ले जा रही है, संध्यांकर सिंह जी,
the exporter get order from operating agency in the buyer's country, which is issued under the line of credit negotiated with Exim Bank. The Exim Bank also issue a letter to the exporter about availability of the line. तो क्या करता है कि जो इंडिया के एक्सपोर्टर है उनको बताता है कि इन इन कंट्री के इन इन इंस्टीट्यूशन को हम लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर दें. यानी हम किसको लोन दे रहे हैं एक्जिम बैंक? फॉरेन में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक है, गवर्नमेंट है, उनको लोन दे रहे हैं और यहाँ वाले को बता रहे हैं कि भैया तुम प्रोडक्शन करो, उसको हम लोन दे रहे हैं, वो ले लेगा तुम्हारा सामान, इस तरह से कुछ. ठीक है, तो ये एक्जिम बैंक के बारे में था. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक में जो फेमा एक्ट है उसके तहत ये कंट्रोल करता है. और जो कुछ करेंसी और उसके जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए. इसमें क्या है, इसमें ये वाला पॉइंट अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो 10,000 फॉर कंट्रावेंशन ऑफ एनी डायरेक्शन गिवन फेमा और फेलियर टू फाइल एंड रिटर्न, कोई भी अगर फाइल रिटर्न नहीं करेंगे तो 10,000 रुपये का फाइन दे रखा है उसने. ठीक है, और अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं तो 2,000 रुपये पर डे, 2,000 पर डे आपको पेमेंट करना पड़ेगा. ये हमने जो है फाइलिंग ऑफ, इसका हमने एक चैप्टर में और पढ़ा था कि कौन कौन सी एक्सपोर्ट वाला, जब फैसिलिटी टू एक्सपोर्टर इम्पोर्टर पढ़ रहे थे ना वहाँ पर. ये कह रहा ना देखो, वी हैव कवर्ड द एक्सचेंज कंट्रोल गाइडलाइन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एनआरआई और फॉरेन इन रेस्पेक्टिव यूनिट, कई यूनिटों में हमने पीछे पढ़ लिया है उसके बारे में. रिटर्न की बात आती है, कौन कौन सी रिटर्न आरबीआई ने हमें बोली हुई है करने को. अब देख लो, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, वन क्वेश्चन इसमें से आता है. क्या बोला? आर रिटर्न का. आर रिटर्न में बोला बैंक वाइड सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन, सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्टनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन. फॉरेक्स ऑपरेशन में फोर्टनाइटली जो सिंगल रिटर्न के डेटा है उनको देता है. बी ए एल स्टेटमेंट शोइंग जो आपके बाहर के अकाउंट या आपके जो वॉस्टो अकाउंट इंडिया में खुला हुआ है उनमें बैलेंस के बारे में बताता है. इससे ही तो फॉरेक्स रिजर्व वो जानता है कितना है. आरबीआई को इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व के बारे में कैसे मालूम होता है? वो यहाँ का जो वॉस्ट्रो अकाउंट है वो, और जो हमारे यहाँ के एडी का नॉस्ट्रो अकाउंट है, तो नॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस आपको कई बार बता दिया, नॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस होता है फॉरेन करेंसी में होता है. ठीक है, स्टेटमेंट फाइव डेटा ऑन ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एफसीएनआर, एफसीएनआर डिपॉजिट का जो डेटा वो देता है. स्टेटमेंट एट एनआरई एनआरओ का बैलेंस देता है. एनआरडीएस सीएसआर कंसोलिडेट ऑन नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट की रिपोर्ट देता है. इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम स्टेटिस्टिक्स क्वार्टरली डेटा ऑन ऑल इंटरनेशनल एसेट और लाइबिलिटी की पूरी डेटा देता है. स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं इसको. ठीक है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS बोलते हैं. तो उसमें क्या, मंथली एक रिपोर्ट देनी पड़ती है. इसमें ऑथराइज डीलर कैन अलाउ रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल अप टू मैक्सिमम पावर्स को कितनी दी है, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख 2,50,000 USD की दी हुई है. उससे ज़्यादा करेगा तो उसकी क्या है, इंफॉर्मेशन वगैरह मतलब आरबीआई को सबमिट करनी पड़ेगी. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड क्रेडिट, कितना ट्रेड क्रेडिट दिया, चाहे वो बायर्स क्रेडिट है चाहे वो सप्लायर्स क्रेडिट दिया. तो सप्लायर क्रेडिट कौन देता है, क्वेश्चन बता देना, मेरा आंसर लिख के बता दो. सप्लायर क्रेडिट कौन देता है? सप्लायर क्रेडिट इस वीक में डेली ही नहीं होंगे, रोजाना तीन तीन क्लासें हैं, शायद एक सुबह है दो शाम को है, आप लोग फॉलो करते रहना. आंसर दीजिए, सप्लायर क्रेडिट कौन देता है? ईसीजीसी. ईसीजीसी तो केवल क्रेडिट गारंटी देता है.
यूट्यूब में से कोई आंसर देगा, सप्लायर्स क्रेडिट कौन देता है? अरे एक मार्क्स तो आना है ना, सप्लायर क्रेडिट, बायर क्रेडिट। यूट्यूब में जिन्होंने भी हैप्पी टीचर्स डे विश किया उनको सभी को थैंक यू। सप्लायर क्रेडिट्स कौन देता है? सप्लायर ऑफ गुड, ठीक है सही आंसर है। ये बायर कंट्री का बैंक नहीं देता, एडी नहीं देता, सब आंसर गलत कर रहे हैं। सप्लायर्स क्रेडिट सप्लाई करने वाला देता है, उसका बैंक से कोई मतलब नहीं होता है। बायर क्रेडिट सप्लायर की कंट्री में कोई और देता है, ठीक है। एक्सओएस है, एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग, ये हमने उस नए चैप्टर में पढ़ा था कि जब से ईडीपीएमएस आ गया है तो अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल आपको रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ओल्ड आउटस्टैंडिंग बिल प्रायर टू, कोई पुराना पेंडिंग है तो देना है, नहीं तो अदरवाइज 1 मार्च 14 से ईडीपीएमएस और आईडीपीएमएस ये दोनों लागू हुए हैं, ठीक है। बीएमएफ तो ये भी क्या है कि बिल ऑफ एंट्री जो है आप इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, इंपोर्ट के सॉफ्टवेयर के थ्रू रिपोर्ट होती है, ठीक है। केवल अब जो उससे इस सॉफ्टवेयर से पहले की एंट्री है वो आपको देनी है, अदरवाइज सारी वो वहां से उठा लेगा। FEMIS डेली डेटा ऑन फॉरेक्स डीलिंग रूम ऑपरेशन, जो आपका बैंक का फॉरेक्स एक्सचेंज डीलिंग रूम होता है उसकी रिपोर्ट डेली। ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आपको रिपोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक। चलो फेमा के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन तो यहां से हो सकता है, ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या, फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड पेमेंट एंड प्रमोट टू ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया व्हाइल द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेरा, तो ये कुछ नहीं, फेमा की बात आ गई, ठीक है, फेरा वगैरह कुछ नहीं पड़े। इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, अब देखो यहाँ पे रेमिटेंस वाले प्रोविजन देखते हैं। देखो क्या रेमिटेंस वाले प्रोविजन है कि लिमिट ऑफ 2,50,000 USD 2,50,000 USD फाइनेंशियल ईयर अंडर LRS, मैंने बोला था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसमें रेमिटेंस फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कोई बताएगा? ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, किसी लैंग्वेज में लिखा होगा आपको समझ में नहीं आएगा, बोलिए। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के बारे में बताइए, आप लोग लिख के बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं। बोलिए, अब देखो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग जवाब नहीं दे रहे। सर करंट अकाउंट में यहाँ पे डे टू डे जो नॉर्मल रिकरिंग एक्सपेंसेस है या फिर कुछ रिकरिंग इसके रिगार्डिंग, और कैपिटल जो अगर फॉरेन से कोई ट्रांसफर रेमिटेंस होता है, जो यहाँ पे कोई जैसे कि एसेट खरीद लिया या फिर कोई ये आपका प्रॉपर्टी खरीद लिया, इसके लिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं बताता हूँ, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है ना, उससे जो भी गुड्स बाहर से आती हैं वो आपकी बैलेंस शीट को इफेक्ट करती हैं, यानी एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करता है वो आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है, और जो आपका सिर्फ ट्रेडिंग के लिए यूज हो रहा है, जैसे आप रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, वो रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं वहां प्रोसेस हो जाएगा, तो रॉ मटेरियल जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में आता है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसमें आता है, ठीक है। ये सर करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस भी तो होता है ना, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा? बैलेंस नहीं होता कुछ भी, कुछ नहीं होता ना, ये तो केवल इस साल
इस पर्टिकुलर ईयर में आपने कितना कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए रेमिटेंस किया और कितना जो है शेषागिरी राव जी आप लोग बात नहीं करने देते। चलो कैपिटल अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी में जो इफेक्ट आता है उसको नोट किया था। अब आपने पूछा क्या बैलेंस मेंटेन, नहीं बैलेंस तो किसे, देखो अगर आप इस ईयर में 1 लाख यूएसडी रेमिट कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गुड्स एक्वायर करने के लिए तो उसकी रिपोर्ट बनेगी, और अगर आप करंट अकाउंट के लिए एक्वायर कर रहे हैं मतलब जो रेमिटेंस आपने भेजा हुआ है ठीक है उससे आप क्या मंगा रहे हैं, तो अगर आप कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। केवल एक आइडिया लगाती है गवर्नमेंट कि हम जो बाहर पैसा भेज रहे हैं उस पैसे का पर्पज ये होना चाहिए वहां से कैपिटल गुड्स ज्यादा आने चाहिए। इसको हम जो है इस तरह से देखते हैं कि एसेट क्रिएशन इज ए गुड हैबिट, अगर आप एसेट क्रिएट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है स्वाति जोशी आपका भी आंसर ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बोला हुआ है कि जो हमारे ये 2.5 लाख का जो अमाउंट है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए है, जैसे प्राइवेट विजिट में गए आप खाए होटल में रहे खाए पिए खत्म कराए, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए इमिग्रेशन के लिए, ऐसा कोई भी खर्चा जो एक तरह से देन एंड देयर क्या हो जा रहा है खत्म हो जा रहा है वो सब करंट अकाउंट, तो उसके लिए कितनी परमिशन है 2.5 लाख यूएसडी की। अब ये सब सीलिंग्स हैं इसकी, तो कौन कौन सी है? देखो पहली बात तो ये है नेपाल भूटान के लिए जा रहे हैं तो जरूरत नहीं है ठीक है, और आप मैक्सिमम 50 नॉट मोर देन 50 यानी 50,000 इक्विवेलेंट बोलते हैं 50,000 के इक्विवेलेंट जो भी आपकी फॉरेन करेंसी बनेगी उतना आप एक्सचेंज जो है परचेज कर सकते हैं इंडिया से जब आप फॉरेन ट्रेवल में जा रहे हैं ठीक है। उससे ज़्यादा पैसा कैसे ले आएंगे, अपने एटीएम कार्ड से अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कराएंगे, और डेबिट कार्ड इंटरनेशनल है तो उससे पेमेंट कर देंगे आप, मतलब अकाउंट के थ्रू जाएगा पूरा, और उससे ऊपर जो पेमेंट है वो बैंक का चेक चेक वगैरह से होना चाहिए ठीक है एक्सीड करता है तो। अब इसमें भी एक बात आई द एंटायर अमाउंट इन केस ऑफ ट्रेवल रिपब्लिक इस्लामिक रिपब्लिक ईरान में जा रहे हैं तो पूरा कैश ले आ सकते हैं, या आप रशिया के लिए पूरा कैश, क्योंकि वहाँ जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है तो वहाँ एटीएम वगैरह बैंक नहीं मिलते तो यूज करने के लिए चाहिए। दूसरा है 5,000 तक ले आ सकते हैं लीबिया और इराक में, और अदर कंट्री में 3,000 यूएसडी से ज्यादा आपको कैश नहीं मिलेगा। क्या बोला? फॉरेन करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, ऊपर जो फिगर दी है वो फिगर दी है आपको ओवरऑल कि आप ये बैंक का चेक वगैरह वगैरह ले आ सकते हैं ठीक है, लेकिन आपने कहा सब कैश चाहिए मुझे कुछ, मैं चाय पियूंगा उतरते ही एयरपोर्ट में, तो उसके लिए क्या है 3,000, 5,000 और 50,000, वो 50,000 यूएसडी नहीं है 50,000 का कन्वर्जन आप कर लो इंडियन रुपीज में ठीक है। अ पर्सन रेजिडेंट कैन परचेस एंड रिटेन फॉरेन करेंसी नोट, किसी बंदे के पास 2,000 यूएसडी से ज्यादा नहीं रख सकते ठीक है। द पासपोर्ट ऑफ द ट्रेवलर नीड नॉट बी एंडोर्स्ड स्पेशली रिक्वेस्टेड बाय हिम, तो अगर इतने तक की वो फॉरेन एक्सचेंज वो जा रहा है while sailing foreign exchange for travel abroad the passport of traveler need not to be endorsed, यानी उसमें पासपोर्ट में ये एंट्री डालने की जरूरत नहीं कि आपने इतने रुपए एक्सचेंज किए हैं ठीक है, अगर वो कहे तो डाल दो। द ट्रेवलर शुड सरेंडर अनस्पेंट फॉरन एक्सचेंज विद इन, अब ये भी एक रूल है कि जब वो वापस आता है तो उसके पास कुछ पैसे बच गए ज्यादा, किससे ज्यादा 2,000 से ज्यादा, क्योंकि 2,000 वो रख सकता है उससे ज्यादा अगर बच गए तो उसे बैंक में सरेंडर करने पड़ते ठीक है, और या वो अपने आरएफसी अकाउंट में जमा कर सकता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी में, लेकिन अपने पास नहीं रखेगा ठीक है। और अगर हम नेपाल भूटान को छोड़ दें तो फॉरेन विजिट के लिए $2.5 लाख ठीक है,
अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार अटेंड करने जा रहे हैं, ट्रेनिंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग वगैरह बिजनेस विजिट के लिए जो होती है वो करने जा रहे हैं, तो भी कितना है, $2.5 लाख। इमिग्रेशन पर्पज के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन मतलब वहां रहने के पर्पज से जा रहे हैं, पर्सन ट्रेवलिंग एब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट और कैन ड्रॉ फॉरेन करेंसी नॉट अमाउंट, तो वो भी क्या है, $2.5 लाख है। ठीक है, क्योंकि जब वहां चले जाओगे तो वहां खाने कमाने लग जाओगे आप। ठीक है, ऑथराइज डीलर कैन रिलीज फॉरेन एक्सचेंज अप टू एन अमाउंट ऑफ इतने और इक्विवेलेंट पर फाइनेंस विदाउट इंसिस्टिंग एनी एस्टिमेट। अगर हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ तो उसे $2.5 लाख तक के इलाज के लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा का खर्चा अगर आ रहा है उसको, तो उसके लिए फिर उसे एस्टिमेशन वगैरह प्रोवाइड, परमिशन बेस्ड ऑन द एस्टिमेट। तो ऑथराइज डॉलर उसकी उसकी डॉक्टर की स्लिप वगैरह देख के, एस्टिमेशन देख के ही वो कर सकता है। ठीक है, इन एडिशन टू द अबाउ एन अमाउंट ऑफ $2.5 लाख जो उसके साथ में बंदा जाता है ना, बीमार का तीमारदार बोलते हैं, जो उसको अटेंडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी करने जा रहे हैं तो $2.5 लाख। ठीक है, और अगर ऑथराइज कैटेगरी टू में अलाउ रेमिटेंस एक्सीडिंग $2.5 लाख बेस्ड ऑन द एस्टिमेट रिसीव्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल बोर्ड, तो नॉर्मल केस में तो वो $2.5 लाख है, लेकिन ऑथराइज कैटेगरी वन और टू को परमिशन है कि अगर वो एस्टिमेट दे रहा तो उससे, अब उसका कोर्स ज़्यादा महंगा तो दे सकते हैं। अदर रेमिटेंस में क्या है, ये क्या है, गिफ्ट रेमिटेंस है, मान लिया गिफ्ट रेमिटेंस कर रहे हैं तो भी $2.5 लाख है, डोनेशन है $2.5 लाख। मैगजीन के लिए कोई लिमिट नहीं है, कैन बी अलाउड बाई द ऑथराइज डीलर एक्सेप्ट फॉर बैन, जिस जिस मैगजीन को बैन किया उसके अलावा आप कितने भी, क्योंकि ये एक तरह से एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, कंसल्टेंसी ज़्यादा है। देखो, अब बाहर बाहर के किसी कंट्री से आप कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो आप इतना पैसा पर प्रोजेक्ट भेज सकते हैं। अब इसका रीजन बताता हूँ मैं अभी आपको, इन द रेस्पेक्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड $1 लाख फॉर पर एनी। तो अब देखो मैं बताऊँ, जैसे यहाँ पे अभी उत्तराखंड में चार धाम की जो रोड बनी है, जो उत्तराखंड में चार धाम की जो रोड बनी है वो, और या मेट्रो का प्रोजेक्ट है कोई, या कोई डैम बन रहा है, तो वहाँ के लिए आपको कंसल्टेंसी चाहिए, पता लगा आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो उस बड़ी कंसल्टेंसी के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $10 लाख और नॉर्मल केस में $1 लाख तक आप रेमिट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड कैन यूज क्रेडिट डेटर एटीएम का वाइल विजिट अब्रॉड विच कैन बी पेड ऑफ थ्रू द डेजिग्नेटेड एडी ब्रांच अप टू द एंटाइटलमेंट ऑफ। तो आप करेंसी तो ले गए $5,000, लेकिन वहां आपको पेमेंट करना था, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट इसकी वही रहेगी। किन चीजों के लिए नहीं कर सकते, लॉटरी के लिए नहीं कर सकते, रेसिंग के लिए नहीं कर सकते, ठीक है, लॉटरी टिकट बैंड प्रेस्क्राइब मैगजीन के लिए नहीं कर सकते, पेमेंट ऑन कमीशन ऑफ एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ओन्ड सब। अब कई बार क्या होता है, आपने क्या करा है, कमीशन का पेमेंट बोल रहा है, तो कोई आपके जॉइंट वेंचर का एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब आपके इंडिया से गुड्स सोल्ड हो रही हैं, लेकिन वो जो गुड्स सोल्ड हो रही है वो किसी बाहर के बंदे के उससे हो रही है, तो उसको आप वो कमीशन दे सकते हैं। ठीक है, वो मना है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर ओन्ड सब्सिडरीज एब्रॉड इन ऑफ इंडियन, इंडिया कंपनी की किसी जॉइंट वेंचर कंपनी जो बाहर है उस पे अगर आप उसको भी कमीशन दे रहे हैं, यानी आप ही का बंदा वहाँ बैठा हुआ है और वो आप ही से कमीशन मांग रहा है, तो वो अलाउड नहीं है। अगर कोई फॉरेन कंपनी कमीशन मांग रही है तो वो आप दे सकते हैं। ठीक है, रेमिटेंस ऑन डिविडेंड बाई कंपनी विच द रिक्वायरमेंट डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, तो जो रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाई एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, किसी में डिविडेंड बैलेंसिंग से मतलब होता है कि कितना डिविडेंड आप बांट सकते हैं, उस क्राइटेरिया में अगर कोई कंपनी आती है तो उसको जो है डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स वाला क्या बोलते हैं,
पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू एक्सपोर्ट ऑफ टी. तो टी और टेबोके के एक्सपोर्ट में इनवॉइस वैल्यू का 10% कमीशन तक दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है. लेकिन टी और टबैको में बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है. पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन. अब यहाँ पे सुनो, जो कॉल बैक सर्विस ऑफ टेलीफोन क्या होती है, कई बार क्या होता है, लोगों ने कॉल सेंटर बनाए होते हैं अपने. कॉल सेंटर में क्या होता है, जैसे किसी को मदद चाहिए तो वो एक मिस कॉल कर देगा, अब वहां से कॉल आएगी. तो आपके बिहाफ में कोई ऐसी सर्विसेस अगर बाहर कोई दे रहा है तो उसको इसके लिए पेमेंट नहीं करना, ठीक है. रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड हेल्ड, तो NRSR के जो NR स्पेशल रुपी नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट है उसके जो इंटरेस्ट इनकम है उसके फंड को बाहर भेज रहे तो वो भी नहीं है, ठीक है. इंडियन इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, ये तो बोला हुआ है कि कौन कितना रेमिटेंस कर सकता है. अब ये बात आ रही है क्या कोई बाहर इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, तो उसके लिए क्या चीजें हैं. नॉर्मल केस में वो किसी कंपनी वगैरह में कर सकता है, लेकिन वो इनके लिए नहीं कर सकता. कोई बंदा बाहर फॉरेन में इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है वो किन के लिए प्रोहिबिट है, रियल एस्टेट में मना है. इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटिटी कॉशन लिस्टेड, यानी कि कुछ कंपनियों को मना किया हुआ है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, उसमें नहीं कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट बाय ट्रस्ट जो है फॉरेन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है. इंडियंस कैन इन्वेस्ट अब्रॉड बाय वे ऑफ, अब इंडियन से मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल्स, ठीक है. तो जॉइंट वेंचर अगर बाहर का है तो यहाँ के लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर इनकॉर्पोरेट अकाउंट्स विद द लॉ रेगुलेशन द होस्ट कंट्री इन विच द इंडियन पार्टी मेक्स ए डायरेक्टर, जिसमें इंडियन पार्टी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है वहां कर सकते हैं. होली ओन सब्सिडी के केस में अ फॉरेन एंटिटी फॉर्म रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन अकॉर्डिनेंस विद द लॉ एंड रेगुलेशन ऑफ होस्ट कंट्री हुज एंटायर कैपिटल इज हेल्ड बाई एन बाई द इंडियन पार्टी, जिसकी पूरी कैपिटल इंडियन पार्टी है वहां कर सकते हैं. एलिजिबल इन्वेस्टर कौन है, जो बाहर, यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो पढ़ रहे हैं कि बाहर हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं. तो उसने पहले बताया कि भैया कोई हमारी जो है जॉइंट वेंचर है वहां करना है. दूसरा बताया कोई बाहर हमारी होली ओन सब्सिडी वहां करना अलाउड है, ठीक है. और ये लोग कर सकते हैं बाहर इन्वेस्टमेंट, ठीक है. द डेजिग्नेटेड ब्रांच ऑन NAD अप टू 100% ऑफ देयर मेंट, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जितनी उसकी खुद की हैसियत है 100% ऑफ देयर नेटवर्थ तक वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकती है एक फर्म, ठीक है. अब आगे देखो, इन्वेस्टमेंट इन ओवरसीज कंपनी, कोई बाहर की कंपनी या उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. उसने बोला लिस्टेड इंडियन कंपनीज कैन इन्वेस्ट इन कंपनी एब्रॉड लिस्टेड रिकॉग्नाइज शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 10% ऑफ एन इंडियन कंपनी लिस्टेड ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया. तो वो अपनी जो 10% शेयर होल्डिंग है विच हैज शेयर होल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 10%, मतलब कोई बाहर की कंपनी है जैसे, उसमें पहले से ही 10% पैसा किसका लगा होना चाहिए, इंडियन. अगर 10% इंडियन का पैसा लगा हुआ है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट इन ओवरसीज कंपनी, कोई आप चाहें फॉरेन की किसी कंपनी में आप हिस्सेदारी लेना ले सकते हैं इन रेटेड बॉन्ड्स, और इसमें बिना किसी लिमिट के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, RSEBI परमिटेड टू इन्वेस्ट विद इन द, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेंज होगी ऑफ 7 बिलियन USD इन ADR/DDR ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन कंपनी एंड अदर इंस्ट्रूमेंट. तो उसने बोला 7 बिलियन US डॉलर तक आप
इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनी बाहर जाके एडीआर या जीडीआर में इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मेथड ऑफ फंडिंग, इंडियन कैन इन्वेस्ट अब्रॉड बाई वे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है कि अब वो जो कैसे फंडिंग करेगी, अपने ईएफसी अकाउंट से कर सकती है, अपना जो एक्सपोर्ट हुआ है, एक्सपोर्ट का जो वहां से पैसा मिलना था उसको वहीं इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है। परचेज ऑफ फॉरेन, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, जो पैसा वहां से मिल रहा है आपके एक्सपोर्ट से, यहाँ से मिलेगा बाहर से, उसको आप वहीं पे कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम मार्केट, आपके पास रुपया पड़ा हुआ है उसको एक्सचेंज कन्वर्ट करा कर सकते हैं। प्रोसीड ऑफ एडीआर विदाउट बीइंग ऑफ फॉरेन करेंसी फंड्स इन इंडिया, इससे कर सकते हैं स्वैप ऑफ शेयर, अपने कुछ कंपनी के शेयर उसको दे दिए और उनके कंपनी के ले लिए। ऑब्लिगेशन, रिसीव शेयर सर्टिफिकेट, अगर आपने कर लिया तो शेयर सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, इविडेंस होना चाहिए कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी विद इन 6 मंथ आना चाहिए, ठीक है। और जो भी ड्यूज हैं रिसीवेबल, वो 60 दिनों में रिपेट्रिएट हो जाना चाहिए, जो वहां से पैसा आना है 60 डे में वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। सबमिट APR टू RBI विद इन 60 डे एक्सपायरी ऑफ द स्टेटर पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट और विद अ नोट ऑन वर्किंग सी ए सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह चाहिए, ठीक है। तो इसमें बोलना है कि एक APR रिटर्न जो है RBI को सबमिट करनी पड़ती है विद इन 60 डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ द स्टेटर पीरियड। तो स्टेटर पीरियड का मतलब हुआ जैसे क्वार्टरली एंड हुआ, एक्ट में जो बोला हुआ है उसके अगले 60 दिन के अंदर आपको ये सबमिट कर देनी है। ट्रांसफर बाय सेल, कोई चीज एक तरफ से बेची और दूसरी तरफ से दूसरी चीज खरीद ली, ठीक है। इंडियन पार्टी कैन सेल एनी शेयर ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड बाय इट इन ए इंडियन वेंचर और होली ओन सब्सिडी अंडर ऑटोमेटिक रूल प्रोवाइडेड नो राइट ऑफ इज इन्वॉल्व। तो राइट ऑफ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो चाहे तो अपने शेयर को सेल कर सकती है, ठीक है। और इंडियन लिस्टेड कंपनी डिसइन्वेस्ट कर सकती हैं, सच डिसइन्वेस्टमेंट रिजल्ट इन द राइट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप टू 10% ऑफ देयर प्रीवियस ईयर एक्सपोर्ट। तो इसकी भी सीलिंग क्या बनाई है, डिसइन्वेस्टमेंट करना क्या हुआ, आपके वहां पे शेयर हैं, आपके शेयर इंडियन लिस्टेड कंपनी जो है उसमें शेयर हैं, उसको आप सेल करना चाहते हैं, तो इसके लिए बोल रहे हैं वो कितना है 10% ऑफ प्रीवियस के जो एक्सपोर्ट हो रहा है उतने तक कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। और वो भी बोला हुआ है प्लेज ऑफ शेयर्स, प्लेज ऑफ शेयर से भी पैसा ले सकते हैं। कैन प्लेस शेयर विद AD फॉर अवेलिंग क्रेडिट फैसिलिटी। तो क्या करेगा, अपने शेयर्स आपको बैंक को दे देगा और शेयर्स को देने के बाद उस पैसे से वो ज्वाइंट वेंचर है होली ओन सब्सिडी में वो कर लेगा, इन्वेस्टमेंट कर देगा। रोल ऑफ AD का क्या होता है, AD का जो रोल होता है यानी बैंक का रोल, AD का मतलब बैंक का रोल है, तो उसमें क्या डिफरेंट सेंटर टू हैंडल द ODL ट्रांजिशन, ODI होगा है, ODI क्या है देखने जरा बुक में, बुक में देखिए क्या है, ODI है ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात है, ठीक है, ये ODI होगा। तो उसमें क्या हुआ कि डेजिग्नेटेड ब्रांचेज होती हैं जो ये काम करती हैं, ठीक है। अलाउ इन्वेस्टमेंट अप टू परमिशेबल लिमिट ऑन रिसीट ऑफ द ODI इन डुप्लीकेट रेट। तो वो क्या करेगा, जो ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो फॉर्मेट है उसमें उस फॉर्म में रिसीव करेगा। रिपोर्ट ऑफ रेमिटेंस इन द फॉर्म ऑफ ODI इन डुप्लीकेट, तो वो रेमिटेंस की रिपोर्ट करेगा RBI को, है सर्टिफाइड दैट रेगुलेटरी अप्रूवल्स ऑब्टेंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो अगर विदेशी किसी फाइनेंशियल सेक्टर कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेगुलेटरी अप्रूवल पूरे ले लिए गए हैं, यानी लाइसेंस वगैरह ले लिया गया तभी करेगा। ODI को, AD को, RBI को फॉरवर्ड नहीं करना पड़ा, अपने पास रखेगा बस वो। पार्टनरशिप फॉर्म रेमिटेंस टू बी फॉरवर्डेड विद
सब सुपरस्क्रिप्शन रेमिटेंस बाई पार्टनरशिप फर्म इन इन फॉर्म ओडीआई। तो जब इंडिया से कोई पार्टनरशिप फर्म पैसा भेजेगी ना ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको क्या है अपने फॉर्म पर ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई मोर देन वन इंडियन पार्टी फ्रॉम फॉर्म ओडीआई टू बी साइन बाई जॉइंटली, तो जो फॉर्म भरा जाता है वो सबको साइन करना है। मेंटेन पार्टी वाइज रिकॉर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द ईच जॉइंट वेंचर और डब्ल्यूएस सेपरेटली, पार्टी वाइज रिकॉर्ड रखेगी। एडी में अलाउ रेमिटेंस टुवर्ड्स लोन टू जॉइंट, ये होता है जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर डब्ल्यू होम सबसे इश्यू ऑफ गारंटी टू। तो यहाँ पे क्या बोला कि एडी क्या है गारंटी इशू करने के लिए भी लोन दे सकता है। इंडियन पार्टी टू सबमिट डिटेल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट का मतलब यही है कि आपने कुछ एक्सपोर्ट किया वहां से कुछ पैसा आना था उस पैसे को आपने वहीं लगा दिया। एंड अदर ड्यूज रॉयल्टी कंसल्टेंसी फी इन द फॉर्म ऑफ एडीए टू द डेजिग्नेटेड एडी। तो इंडियन पार्टी जो है ये सारी डिटेल जो है अपने डेजिग्नेटेड एडी को सबमिट करेगी। कैपिटलाइज टू बी रिकॉर्ड वाइल कंप्यूटिंग द कैप ऑफ 100%। तो 100% का मतलब है कि जितनी उसकी कैपिटल है उससे ज्यादा का नहीं करेगी, जो आपकी नेटवर्थ है उससे ज्यादा का इन्वेस्ट आप बाहर नहीं कर सकते। कस्टम सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इनवॉइस टू बी ऑब्टेंड टू बी फॉरवर्डेड आरबीआई विद इन 15 डेज ऑफ द शिपमेंट। अब इसकी जगह तो वो ईपीडीएमएस हो गया ना, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उसको क्या बोलता है आरबीआई अलॉट्स फॉर ईच जॉइंट वेंचर डब्ल्यूएस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर था टू बी कोटेड इन ऑल फ्यूचर करस्पॉन्डेंस बाय द एडी और इंडियन पार्टी। तो ऑथराइज डीलर और जो इंडियन पार्टी है उसको हमेशा अगली चिट्ठियों के लिए अगली करस्पॉन्डेंस के लिए वो आईडी नंबर देना पड़ेगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन एग्जिस्टिंग ओवरसीज कंसर्न टू बी अलाउड ओनली आफ्टर द आरबीआई। अच्छा फॉर्म है कुछ, देखिए इसमें कोई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के कुछ फॉर्म्स हैं, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर और पार्ट फोर तक है पार्ट इसमें, ठीक है। पहले में क्या है डिटेल्स ऑफ इंडियन पार्टी, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डिक्लेरेशन बाय द इंडियन पार्टी एंड सर्टिफिकेशन बाय द स्टेट ऑडिटर ऑफ द इंडियन पार्टी, पहले में ये हो गया। दूसरे में क्या है इज फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डिटेल ऑफ रेमिटेंस। पहले में तो खुद की डिटेल है भाई, दूसरे में फाइनेंशियल डिटेल है कितना दे रहे हैं, तीसरे में इज एन एनुअल रिपोर्ट APR एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट टू बी सबमिटेड बाय द चार्टेड अकाउंटेंट थ्रू द डेजिग्नेटेड AD ब्रांच। पार्ट फाइव में फोर में क्या है इज ए रिपोर्ट ऑन क्लोजर डिसइन्वेस्टमेंट वॉलेंट्री। तो कभी अगर कोई क्लोजर करती है उस वेंचर को, उसका डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी जो आपने पैसा लगा रखा है फॉरेन में उसको आप बेच के आ रहे हो, तो उसकी जो है रिपोर्ट वो पार्ट फोर में जाती है, ठीक है। अच्छा फॉरेन करेंसी अकाउंट हमने ये EFC RFC बिल्कुल बता रखे हैं, यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। RFCD भी बता रखा है, DDA भी बता रखा है। अब फेडाई और फेडाई के रूल क्या है, तो आपको पता है इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज होता है तीन लोग हैं, एक तो RBI है, एक फेमा है और एक डीलर्स एसोसिएशन है, फेडाई फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये लोग तीनों लोग मिलजुल के ही ये काम करते हैं जिससे कि लोगों को एक स्मूथ वो मिल जाए। फंक्शन क्या है इसके, देखो सम फंक्शन गाइडलाइंस एंड रूल्स फॉर फॉरेक्स बिजनेस की गाइडलाइन बनाना, ट्रेनिंग करना बैंक के पर्सनल को जो फॉरेक्स में काम करते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर को एक्रेडिशन देना यानी लाइसेंस देना, जैसे कि म्यूचुअल फंड बेचने के लिए जो सर्टिफिकेट मिलता है वो MFI से मिलता है, इंश्योरेंस सेल करने के लिए ADI से मिलता है, तो इस तरह की बात कर रहे हैं। एडवाइजिंग असिस्टिंग मेंबर बैंक्स इन सेटिंग इश्यूज मैटर इन देयर डीलिंग, एडवाइज वगैरह करना, रिप्रेजेंट मेंबर बैंक ऑन गवर्नमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं पता है,
ये फेडाई क्या करता है, हमारे इन चीज लोगों को रिप्रेजेंट करता है, एडवाइस करता है, असिस्ट करता है, और डेली एंड पीरियडिकल रेट्स भी मेंबर को सर्कुलेट करता है। फेडाई जो है डेली और जो पीरियडिकल रेट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस के, उसको भी वो करता है। फेडाई के कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे जनरल गाइडलाइन आ गई। द डायरेक्टिव यूज बाय आरबीआई इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फाइनेंस शैल बी अधेयर टू द बाय द अथॉराइज्ड। अब यहाँ बेसिकली कौन है, जो जनरल गाइडलाइंस हैं वो ऑथराइज डीलर के लिए हैं, जितने भी ऑथराइज डीलर हैं उन सब के लिए बात हो रही है, ठीक है। अपने ओन चार्जेज और वेरियस टाइप ऑफ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए खुद डिसाइड कर सकती है, टोटली फ्री टू डिटरमाइन देयर। जो मेंबर बैंक हैं, मतलब जो इसके फेडाई के मेंबर बैंक है यानी ऑथराइज डीलर हैं, वो चार्जेज अपने आप फिक्स कर सकते हैं विद ए व्यू टू सिंप्लीफाइंग एंड लिबरलाइजिंग इम्पोर्ट। ऑथराइज डीलर आर परमिटेड टू ओपन स्टैंड बाई एल सी बिहाफ ऑफ देयर इम्पोर्टर। तो कभी कभी कुछ सामान वगैरह आपको मंगाना होता है, तो उस कंडीशन में जो स्टैंड बाई एल सी वगैरह का वो होता है, इशू करते हैं, परमिटेड ऑथराइज डीलर टू ओपन स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट सब्जेक्ट टू द। तो फेडाई ने यहाँ के ऑथराइज डीलर को स्टैंड बाई एल सी को करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी इंडिया में उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी इशू कर परमिट कर दिया, बैंक चाहे तो करे। बैंक शुड प्रोमिनेंटली डिस्प्ले देयर कार्ड रेट फॉरेन करेंसी इन देयर वेबसाइट वगैरह में, उसको करना चाहिए, नॉर्मल चीज है, ठीक है। फेडाई के बारे में दिया हुआ, ईमेल वगैरह दिया हुआ कुछ। रूल फर्स्ट आवर्स ऑफ बिजनेस, रूल वन, उसमें क्या है, रूल फर्स्ट आवर्स ऑफ बिजनेस। तो आवर्स ऑफ बिजनेस क्या है, इंटरबैंक जो फॉरेक्स का मारते हैं मार्केट है 9 to 5 है, ठीक है। नो कस्टमर शुड अंडरटेकन बाय द ऑथराइज डीलर आफ्टर 4:30 ऑन ऑल वर्किंग डे। तो इसमें 4:30 के बाद किसी का ट्रांजेक्शन आपने नहीं लेना है। और इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये देखो, फॉर द पर्पज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस सैटरडे विल नॉट बी ट्रीटेड एज वर्किंग डे। तो वहां पे क्या होता है, मंडे टू फ्राइडे तक होता है। की नॉन हॉलीडे इज द विच वन एटलीस्ट 3 working day बिफोर पता होती है, उसको नॉन हॉलीडे बोलते हैं। लेकिन हमारे वहाँ तो क्या है कि रात के 9 बजे सरकार चिट्ठी निकालती है कि भैया कल बंद रहेगा बैंक। आधे लोग तो सो भी चुके होते हैं कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या आ गया आपका, जो पहला रूल वन था वो आपका बिजनेस आवर्स कैसे चलेंगे। नंबर दो रूल क्या, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन के बारे में। फॉरेन करेंसी बिल है अगर, तो आप उसमें इंटरेस्ट जो है चार्ज करेंगे, क्योंकि आपको पेमेंट जो है वो लेट मिलता है, सामान वो आपसे जल्दी ले आता है। क्रिस्टलाइजेशन एंड रिकवरी। ऑथोराइज डीलर शुड फॉर्मुलेट ओन पॉलिसी फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी लाइबिलिटी इनटू रुपी लाइबिलिटी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स ऑन द ड्यू डेट। तो वो क्या कहता है कि जो ड्यू डेट में जिसके बिल नहीं आते, हालांकि हमने इसको वहां पे कवर किया हुआ है कि जिसका रियलाइजेशन आपको ड्यू डेट में नहीं मिलता है, तो उसको आपको इंडियन करेंसी में क्रिस्टलाइज करना होता है, इसको मतलब कन्वर्ट करना होता है, इसी को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। पॉलिसी इन दिस रिगार्ड शुड बी ट्रांसफरेबली अवेलेबल टू द कस्टमर, जो भी पॉलिसी कस्टमर को अवेलेबल हो। क्रिस्टलाइजेशन हमेशा टीटी सेलिंग रेट पे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा आ जाए कि अपना। इंटरेस्ट सेल बी रिकवर्ड ऑन डेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन द ओवरड्यू पीरियड एट द, तो उस समय आप उससे इंटरेस्ट पीरियड इंटरेस्ट भी लेके जितना टाइम वो ओवरड्यू हो चुका है।
और क्रिस्टलाइजेशन के बाद कैसे कवर करेंगे उसे? द ऑथराइज डीलर विल अप्लाई टीटी बाइंग रेट और कॉन्ट्रैक्ट रेट टू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी प्रोसीड्स। तो क्या होता है, कई बार रियलाइजेशन हो जाता है, मतलब उसका पैसा आ जाता है, तो उस समय वो टीटी बाइंग रेट पर उससे वो उस बिल को ले लेगा और उसका पैसा उसे खाते में डाल देगा। डिसऑनर रुपीज इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द बिल एंड फॉरेन करेंसी सेल, तो उसमें क्या है, क्रिस्टलाइजेशन करना, बिल बिफोर क्रिस्टलाइजेशन बैंक सेल रिकवर। अगर डिसऑनर हो जाता है ना, तो भैया उससे उतने पैसे रिकवर करने हैं, और कौन से रेट से करने हैं, टीटी सेलिंग। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात है इसमें, टाइम टू टाइम गाइडलाइन में जो होगा वो होगा। इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इन द केस ऑफ डिमांड बिल और बिफोर नॉशनल ड्यू डेट एक्चुअल डेट इन द केस ऑफ यूजर्स बिल, तो आरबीआई के हिसाब से उसमें क्या है, इंटरेस्ट रिकवर करना है। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड हमने इसमें पीछे भी कवर कर लिया था, ये बिल इन फॉरेन करेंसी में 25 दिन का होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट टू इराक अंडर यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन 120 दिन का होता है, ठीक है। और रुपी वाली बात करी, बिल्स ड्रॉन इन रुपीज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी के जो बिल हैं, रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड एट सेंटर ऑफ नेगोशिएशन 3 दिन में दे देना है, ठीक है। रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड इन द इंडिया एट सेंटर डिफरेंट द सेंटर ऑफ नेगोशिएशन 7 दिनों में देना है, ठीक है। आउटसाइड इंडिया है तो 20 दिनों में कर लेना है। एक्सपोर्ट टू रसिया और अंडर एलसी वेयर रीइंबर्समेंट प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, तो 20 दिनों में। ये मतलब फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये समझ में आ रहा है। ट्रांजिट पीरियड है, बिलों का जो डीलिंग करेंगे आप, बिलों की जो डीलिंग करेंगे वो ट्रांजिट पीरियड जो है वो अलग अलग है। फॉरेन करेंसी का बिल है 25 दिन है, इराक का अंडर यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन में 120 दिन है, तो इस तरह अलग अलग इन्होंने डेज बना रखे। बिल्स इन रुपीज नॉट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, कोई ऐसा बिल है जो एलसी के द्वारा का नहीं है, एलसी से अलावा कोई बिल आपके पास है तो वो 20 डे में, जो 20 डे का टाइम मिलेगा बस उसमें। टीटी रिइंबर्समेंट अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट वेयर एलसी प्रोवाइड्स फॉर रिइंबर्समेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस बाय 5 डे है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मींस से जब आप वो करते हैं तो 5 दिन है, और वैसे करते हैं तो 5 दिन प्लस एडिशनल पीरियड जो लगता है आपका वो है। सब्स्टिट्यूशन ऑब्लिक चेंज इन टेनोर, तो कई बार क्या होता है, जो समय होता है उसमें बदलाव होता है, तो चेंज इन द यूजांस बिल इंटरेस्ट ऑन पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट सेल बी चार्ज, तो जब आप डेट बढ़ाएंगे तो आपको उतने दिनों का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इट इज ऑप्शनल फॉर बैंक टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ बिल्स अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट मेड अ परचेज ऑफ ए क्लीन टीटी, इन सच केस द बैंक सेल रिकवर पे नोशनल स्वैप डिफरेंस फॉर द रिलेटिव कवर इंटरेस्ट आउटले इनफ्लो ऑफ फंड फॉर सच स्वैप सेल ऑल्सो बी रिकवर्ड। तो इसमें कह रहा है कि अगर कहीं पर भी जो बैंक को एक ऑप्शन दिया हुआ है कि वो डिलीवरी ऑफ बिल्स है एक्सेप्ट करे, किस पे, क्लीन टीटी पर, क्लीन टीटी, टीटी रेट है ना। एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कनेक्शन, भाई जब आप आपके पास बिल आया तो जैसे चेक आता है ऐसे बिल आता है, तो बिल का आप कलेक्शन भेजेंगे फॉरेन में, तो जब आपके नॉस्टो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तब आप ये मानेंगे कि हाँ ये आ चुका है पैसा। जब नॉस्टो अकाउंट की क्रेडिट एडवाइस या स्टेटमेंट आ जाए तब मानेंगे, ठीक है। और अगर आपका बिल डिले वो करेगा तो मिनिमम इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट पर जो होता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट का यानी कि लोन का रेट होता है, उतना पेमेंट मिलेगा जितने दिन डिले करेंगे, स्टिपुलेट से डिले। हाँ, स्टिपुलेट का मतलब जो ऊपर अभी टाइम बताया था ना, 25 दिन 20 दिन 30 दिन, उससे भी डिले होता तो फिर आपको कलेक्शन का वो देना पड़े। इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन की बात आई, इम्पोर्ट ट्रांजेक्शन में है रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट बिल। रिटायरमेंट का मतलब समझते हो, इधर देखिएगा, ये इंपोर्टर है, जब यहां से पेमेंट
डॉक्यूमेंट आते हैं तो ये वाला बैंक पेमेंट करता है, उसके बाद ये बिल इसके पास जाता है। तो जब ये इसका पेमेंट करता है उसको रिटायरमेंट ऑफ बिल करता है। तो उसने बोला एक्सचेंज रेट क्या लगेगा, एक्सचेंज रेट पर एज पर हेज कॉन्ट्रैक्ट, इफ हेज कॉन्ट्रैक्ट इज इन प्लेस प्रिवेलिंग बिल्स सेलिंग रेट इन केस ऑफ देयर इज नो हेज। तो अगर आपका जो हेज कॉन्ट्रैक्ट है ये हेज कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है, और नहीं तो प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट लगेगा अगर हेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन में भी यही रिपोर्ट रेट बता रहा है। फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इंपोर्ट बिल एज पर द एक्सचेंज रेट प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी कंसर्न, जो भी करेगी, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात आई है, सेल कैरी कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू द बैंक डोमेस्टिक एडवांस टाइम टू टाइम। तो वो जो डोमेस्टिक एडवांसों में टाइम टू टाइम कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो उतना ही पैसा वो लगाएगा। इंटरेस्ट रेमिटेंस ऑन इंटरेस्ट बियरिंग्स बिल्स शैल बी सब्जेक्ट टू द डायरेक्टिव ऑफ आरबीआई। तो वो बेसिकली आरबीआई के अकॉर्डिंग चलना है। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इम्पोर्ट बिल बता दिया है, क्लीन इंस्ट्रूमेंट, आउटवर्ड रेमिटेंस, इनकैशमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी नोट्स और इंस्ट्रूमेंट। तो जो फॉरेन करेंसी नोट्स और ट्रेवलर चॉक वगैरह होते हैं आपको ऑप्शन एट द एप्रोप्रिएट बाइंग रेट। तो जैसे हम न्यूमेरिकल भी करते हैं तो कोई आपको फॉरेन करेंसी देगा तो आप बाइंग रेट लगाएंगे। पेमेंट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, फॉरेन करेंसी रेमिटेंस टू एन इक्विवेलेंट ऑफ 10,000 USD शैल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इन रुपीज। रेमिटेंस इज एक्सेस ऑफ द इक्विवेलेंट रुपीज शैल बी पेड एग्जीक्यूटेड थ्रू द फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट। द बेनिफिशरीज हैज द ऑप्शन ऑफ प्रेजेंटिंग द रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट फॉर द एग्जीक्यूटिव बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 100। तो बेसिकली जो किसी के पास फॉरेन करेंसी से रेमिटेंस आया है तो वो अगर अकाउंट में जाएगा जो कि 10 साल से 10,000 डॉलर से के इक्वल है तो उसको इमिडिएटली कन्वर्ट किया जाएगा, और अगर 10,000 डॉलर से ज़्यादा का है तो उसके लिए द बेनिफिशरी हैज़ द ऑप्शन टू प्रेजेंट प्रेजेंटिंग द रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट फॉर पेमेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव बैंक। यानी ये एक तरह से ये समझ लो आपके वहाँ होता ना आउटस्टेशन चेक की इमीडिएट क्रेडिट होती है, वो वाली बात कह रहा है। 10,000 USD तक के होंगे तो कलेक्शन में भेज देना लेकिन उसके अकाउंट में डाल दो, लेकिन अगर 10,000 से ज़्यादा है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसे डालें या कलेक्शन में भेजें, ठीक है। कंपनसेशन की बात आई, द बेनिफिशियरी इन द 2 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्रेडिट। तो वो क्या होगा, जब आपके 900 अकाउंट में आ गया तो उसके प्लस 2 दिन में आपको कस्टमर क्रेडिट दे देना है, और नहीं देते हैं तो 2% और सेविंग बैंक रेट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन वॉस्टो अकाउंट विद 2 बैंक्स। भाई वॉस्टो अकाउंट में बैलेंस पड़ा तो कैसे करेंगे, तो द बैंक कैरिंग ऑन द इंटर बैंक वॉस्टो ट्रांसफर बाई आरटीजीएस शुड मेंटेन इन द रिमार्क कॉलम ऑफ द आरटीजीएस मैसेज अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट वी अंडरटेक टू सेंड द फॉर्म A3 सेपरेटली। तो वॉस्ट्रो अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन होते हैं 2 बैंकों के बीच में तो उसके लिए बोल रहा है कि इंटर बैंक वॉस्ट्रो अकाउंट ट्रांसफर आरटीजीएस शुड मेंशन इन द रिमार्क कॉलम अ स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग इफेक्ट। तो जब भी आरबीआई उसका सेटलमेंट करेगा तो आरटीजीएस के जो मैसेज हैं उसमें ही लिख के देगा वी अंडरटेक टू सेंड फॉर्म A3 सेपरेटली। तो उसे एक सेपरेटली फॉर्म A3 देना होता है। इट इज डिसाइडेड टू फिक्स द लिमिट ऑफ 5 वर्किंग डे फ्रॉम द रिसीट ऑफ फॉर्म A3 एट ए बेनिफिशरी बैंक, डिले बियॉन्ड 5 डे वुड बी अट्रैक्टिव। तो बेसिकली जब आपको ये एक बैंक से दूसरे बैंक के वॉस्टो अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है तो उसने बोला हुआ है कि 5 वर्किंग डे की लिमिट है, फॉर्म A3 आ गया 5 वर्किंग डे, ठीक है, उसके बियॉन्ड अगर करोगे डिले तो पेनल्टी होगी। अगर 5 दिनों में नहीं मिलता है
तो उन्हें क्लेम करना पड़ता है रेमिटिंग बैंक पर विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर फंड. रेमिटिंग बैंक शुड इंश्योर फॉर्म थ्री रीचेस टू द बेनिफिशियरी बैंक प्रॉपर्ली. फॉर्म A3 बेसिकली क्लेम है. बैंक पेनल्टी एट द रेट ऑफ 1000 पर डे, 1000 पर डे इन एक्सेस ऑफ द 5 डे फ्रॉम द 5 दिन से ज्यादा होगा तो पेमेंट करनी पड़ेगी. इफ बेनिफिशरी बैंक लॉजेज द क्लेम आफ्टर 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स द क्लेम अमाउंट विल बी कैप्ड एट 10,000. तो इसने बोला हुआ बेनिफिशरी बैंक लॉजेज द क्लेम 15 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर फंड. तो जो डिले हो जाती है तो 15 दिन के बाद अगर क्लेम करता है तो क्लेम उस कंडीशन में क्लेम अमाउंट 10,000 रुपये कैप किया और वैसे जो उसने किया हुआ वो 1,000 पर डे का किया हुआ है. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन बैंक्स द मैटर मे बी रेफर तो फेडआई को आप रेफर करेंगे वो डिसाइड करेगा. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट जो भी कॉन्ट्रैक्ट है डेफिनेट अमाउंट ऑफ पीरियड का होगा. ये नहीं कि उसमें लिखा हुआ है कि उस समय बताएंगे ऐसा नहीं लिखा हुआ है. लिखा जाएगा इतने डॉलर. ठीक है. ऑप्शन पीरियड ऑफ डिलीवरी शैल नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 1 month. इफ द फिक्स डेट ऑफ द डिलीवरी और द लास्ट डेट ऑफ द डिलीवरी पर्सन इज नोन हॉलीडे द लास्ट डे ऑफ द डिलीवरी शैल बी प्रीसीडिंग वर्किंग डे. तो इसका क्या है कि जो हॉलीडे होता है मान लिया संडे को पेमेंट लेना है तो संडे को पड़ा संडे को लेकिन हॉलीडे है तो उसका पेमेंट आपको मिल जाएगा सैटरडे को मिल जाए. ये रेट्स हमने सब बता दिए थे पहले टैम टॉम लेडीज वगैरह. प्लेस ऑफ डिलीवरी टू बी डिलीवर्ड और पेड एट द बैंक एट जैसा बैंक का नाम लिखा वहां पेमेंट करनी है. डेट ऑफ डिलीवरी इन चीज़ों को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ कोई ऐसी चीज दिख जाए मुझे जो है. ये कि देखो अगर बैंक पेमेंट जल्दी कर देता है इफ ए बैंक एक्सेप्ट और गिव्स अर्ली डिलीवरी द बैंक शैल रिकवर पे स्वैप डिफरेंस इफ एनी इंटरेस्ट ऑन आउटले इनफ्लो फंड फॉर सच स्वैप शैल बी रिकवर्ड पेड बाई द इतना इतना. तो कभी भी रिकवर्ड भी हो सकता है पेड भी. तो अगर अर्ली डिलीवरी होती है और रेटों में डिफरेंस होता है तो उस डिफरेंस की बात करें. एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. देखो ये वाला क्वेश्चन है आपके में जो न्यूमेरिकल में है ना न्यूमेरिकल नंबर 8 या 9 नंबर जो है फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वेयर एक्सटेंशन इज शॉर्ट. तो उसमें केस में है कि 30 दिन का एक्सटेंशन दिया हुआ बाय द कस्टमर सेल बी कैंसल्ड एंड रीबुक्ड ऑन एट द करेंट रेट एक्सचेंज. ये आपके उसमें एक क्वेश्चन है. कैंसिलेशन करेगा तो भैया अपने चार्जेस लेगा बैंक. कोई आपकी डीलिंग को कैंसिल करता है तो बैंक अपने चार्ज लेगा. कैंसिलेशन कब होगा कैस रेट में होगा. देखो जो परचेज कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टीटी सेलिंग पे होगा. सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो टीटी बाइंग में होगा. वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल बिफोर मेच्योरिटी द एप्रोप्रिएट टीटी रेट शैल बी अप्लाइड. इससे पहले कि इससे आगे बढ़ूं कुछ आपसे बातें कर ली जाए जरा. हाँ जी बोलिए कुछ भी बोलिए.
क्या पता तो पढ़ रहे हैं चले हम लोग आपको भी, पता तो चले आपको भी, हम ऐसा हैं। है, ये टॉपिक देखो फैक्ट बेसी है, आप देख रहे हो सबके रूल बने हुए हैं, फेडाई के रूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं कि जल्दी पेमेंट होगा तो कैसे होगा, लेट पेमेंट होगा तो कैसे होगा, क्रिस्टलाइजेशन कब करना है, ठीक है, और अगर आप डिले करेंगे। अच्छा चलो एक ही क्वेश्चन बता दो आप, अगर वो अपने बिल के लिए एक्सटेंशन मांग रहा है तो क्या करेंगे? सबसे लास्ट पॉइंट पूछा मैंने। एक्सटेंशन का मतलब ये तो पता नहीं। फिर वो करेंट एक्सचेंज रेट पे वो डीलिंग होगा। नहीं, अगर एक्सटेंशन मांगता है तो उसको इमीडिएटली कैंसिल किया जाता है, और कैंसिल करने के बाद इमीडिएटली रीबुक किया जाता है। आर्टिस्टमैन आपका जो है, आज माइक गड़बड़ कर रहा है कुछ। तो मैं ही कह रहा था एक्सटेंशन, हाँ एक्सटेंशन पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है? आपके न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन दिया हुआ अप टू 1 ईयर तक, एक क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में दिया हुआ जिसमें एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन में ही बोला हुआ है कि पार्टी आपको इन्फॉर्म करती है कि जो मैंने बिल आपसे वो किया हुआ है वो 30 महीने डिले हो गया है, 30 दिन डिले हो गया है। एक्सटेंशन के केस में इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है अपोजिट रेट से, अगर आपने बाई किया था तो बाई रेट, सेल रेट से, और कौन सा सेल रेट? टीटी सेल रेट, ठीक है। सुदीप मोहंती जेआईबी क्लियर है। सर चलो और इंपोर्ट बिल देखते के हैं। केस में, हेलो हाँ हाँ सर, इंपोर्ट बिल के केस में बिल सेलिंग रेट क्यों अप्लाई होता है, जो बताते हैं कैंसिलेशन होता है जो इंपोर्ट बिल? बताते हैं। कैंसिलेशन देखो इम्पोर्ट बिल, पहली बात तो बाई नहीं होता, रिटायर होता है। करेक्ट, इम्पोर्ट बिल क्या होता है? रिटायर रिटायर। होता है। आप देखो यहाँ पे, ये सेलर है ये बायर है। जो सेलर अपने बैंक के पास बिल लाता है वो कौन सा होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज सर, बिल ऑफ एक्सचेंज। उस बिल को कौन सा बिल बोलते हैं? वो तो बिल ऑफ एक्सचेंज होता ही है। बिल कौन सा इंपोर्ट बिल होगा? होता है, एक्सपोर्ट बिल होता है? सेलर जो लेके आएगा वो तो एक्सपोर्ट बिल रहेगा ना। एक्सपोर्ट ही आएगा सर। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। और इस बिल का पेमेंट कौन करता है फ्यूचर में? बायर, बायर तो ठीक है। इम्पोर्ट। तो ये तो हो गया एक्सपोर्ट बिल, ठीक। इंपोर्ट बिल क्या होता है? इंपोर्ट बिल होता है कि ये जो बायर है किसी बैंक को कहता है कि अगर यहां से गुड्स का प्रूफ आएगा तो आप पेमेंट कर देना, यानी रिटायर कर देना। करेक्ट और ये केस है एलसी का केस। करेक्ट तो जब बायर के कंट्री का बैंक बायर के बिहाफ पे पेमेंट कर देता है तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट। राइट। और इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस बैंक ने अपने खजाने से क्या भेजा? डॉलर डॉलर, मींस डॉलर आउट हुआ। डॉलर आउट हुआ और कस्टमर से क्या लेगा वो? INR रुपीस INR। तो ये सेल का केस हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप इस तरह समझो कि अगर आपको इंपोर्ट बिल समझ में नहीं आता तो आप एक्सपोर्ट बिल समझ लो, वो उसका उल्टा होता है, ऐसे समझ लो। हाँ नहीं, मुझे कंफ्यूजन क्यों हुआ क्योंकि एक्सपोर्ट बिल तो चलो हम लोग जो एक्सपोर्ट बिल कैंसिलेशन होता है वो टीटी सेलिंग रेट पे हो जाता है, हाँ लेकिन इंपोर्ट हाँ बिल जो कैंसिल हो रहा है वो बिल सेलिंग रेट पे हो रहा है, तो मेरे को लगा कि उल्टा नहीं क्यों नहीं ना होना चाहिए। ना 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 ना, इंपोर्ट बिल कैंसिलेशन बाइंग रेट पे होगा, ठीक अच्छा, है। पेमेंट इंपोर्ट बिल सेलिंग का हो कैंसिलेशन रहा है, बिल सेलिंग रेट है जिसका हमेशा अपोजिट रेट पे होता है, अपोजिट रेट पे हो। करेक्ट ठीक है। चलो, बिजनेस थ्रू इंटरमीडिएट,
तो ये भी कुछ रूल्स हैं कि भैया अगर आप किसी को बीच में ला करके बिजनेस कर रहे हैं तो उसने बोला एक्सचेंज ब्रोकर हो सकते हैं, मल्टी बैंक पोर्टल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर मैचिंग सिस्टम हो सकता है, ठीक है, ये सब इंटरमीडियरी हैं जो उनके बीच में काम करते हैं, ठीक है। एक्रेडिटेड इंटरमीडियरी जो होंगे वो फिडाई के अकॉर्डिंग होंगे, फिडाई अपनी लिस्ट में उनके लिए रूल्स बनाता है, ठीक है, और उनकी जो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग ऑफ एक्रेडिटेड इंटरमीडियरी टाइम टू टाइम, मतलब एक्रेडिटेड इंटरमीडियरी के बारे में लिस्ट कहाँ से मिलेगी, फिडाई से मिलेगी। और अगर आप कोई चेंज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने एड्रेस में, तो फिडाई को बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स कंफर्मेशन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स कंफर्मेशन एडवाइज इन रिलेशन फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस मस्ट बियर द क्लॉज सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर फिडाई। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसमें आपको एक क्लॉज डालना पड़ेगा कि हमारी कोई भी बात होगी तो हम जो भी एक्सचेंज कर रहे हो फिडाई के अकॉर्डिंग करेंगे। इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए उसने बोला इट हैज बिकम फार मोर स्पीडियर टू डिटेक्ट नॉन डिलीवरी ऑफ फंड्स, बैंक आर एक्सपेक्टेड टू ट्रैक डिलीवरी ऑफ फंड। तो उसने बोला बैंक अपने उनकी ट्रैक रखें कि कितना पेमेंट आ गया है कितना नहीं आया। इंटरेस्ट ऑन डिलेड, तो डिलेड में बोला हुआ है कि ओवरड्यू पीरियड जो होता है 2% अबव बेंचमार्क रेट ऑफ करेंसी, 2% ओवर द बेंचमार्क रेट ऑफ द करेंसी कंसर्न। साउंड नहीं आ रहा आपका। अच्छा, ये बीच में एक स्टूडेंट का कॉल आ गया था तो मैं डिस्टर्ब हो गया था, चलो मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ थोड़ी देर ना, डिस्टर्ब ना हो। तो ये जो बेंचमार्क करेंसी के कंसर्न रेट हैं, तो INR का मामला हो तो इससे देखेंगे, STG का मामला हो तो बार्कलेज बैंक से देखेंगे, USD UR ये सबके एक वो दिए हुए हैं कि कहाँ से देखेंगे, जैपनीज का टोक्यो से है, स्विस फ्रैंक का स्विस नेशनल बैंक से है, कैनेडियन डॉलर का बैंक ऑफ नोवा स्कॉटिया है। ये STG जरा कोई बताएगा क्या है STG, कौन सी करेंसी है ये? अच्छा ठीक है, स्टर्लिंग पॉन्ड है, स्टर्लिंग पॉन्ड बोलते हैं इसको, ग्रेट ब्रिटेन पॉन्ड भी बोलते हैं इसे, स्टर्लिंग पॉन्ड है, ठीक है। और यूरो है सबका, यूरो का यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गया, बैक वैल्यू क्रेडिट, एक्सेप्टेंस ऑफ बैक वैल्यू, बैक वैल्यू मतलब पुरानी डेट से जो है क्रेडिट कब हो सकता है, जब आप लेट पेमेंट होती है ना कई बार, मतलब आप किसी को लेट पेमेंट कर रहे हैं तो उसको बैक डेट से क्रेडिट देते हैं कभी कभी। द बायर बैंक शैल एक्सेप्ट सच फंड प्रोवाइडेड द फंड आर डिलीवर्ड विद इन 2 वर्किंग डे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस द फंड्स आर डिलीवर्ड बियॉन्ड 2 वर्किंग डेट ऑफ द ड्यू डेट, तो 2 दिन से ज्यादा अगर डिले हो रहा है तो उसे आपको बैक डेट से देना पड़ेगा।
टाइम लिमिट फॉर क्लेम ऑफ द डिले. अब मान लिया आपने डिले हो गई तो क्या है, इफ द क्लेम इज नॉट मेड 15 डे वर्किंग डे द इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन द सेलिंग बैंक फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 डे. तो अगर 15 दिनों के अंदर आप, पहली बात तो बोली 15 दिन के अंदर क्लेम करना है, 15 दिनों के अंदर नहीं करते हैं और आप 2 साल बाद क्लेम करते हैं तो आपको मैक्सिमम जो कंपनसेशन मिलेगा वो डिले का 60 दिन ही मिलेगा. सेटलमेंट क्लेम की वही 15 दिन है, विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम. डेलिब्रेटेड डिफॉल्ट, जानबूझ के अगर डिफॉल्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, द सेट कमेटी फिडाई विल डिसाइड अबाउट द पेनल्टी ऑफ द डिफॉल्टिंग वे. तो इसकी कमेटी है, सब कमेटी है, वो डिफॉल्ट पेमेंट पे डिसाइड करेगी. रॉन्ग डिलीवरी ऑफ फंड इटसेल्फ कंपनसेट बायर. तो पता लगा उसने, कई बार होता है ना कलेक्शन आता है, जमा करना था किसी में, जमा किसी में कर देते हैं, 2 साल बाद पता लगता है तो बैंक देखेगा, कंपनसेट करेगा उसको. यूज ऑफ इनकरेक्टली पेड फंड, अगर ऐसा होगा तो रिटर्निंग द फंड विद प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइडेड चार्जेज ऑफ द बैंक वैल्यूएशन आर बॉर्न बाय द ओरिजिनल रेमिटिंग बैंक. जिसने डिले करा था वो या गलत भेजा था वो, रिटर्निंग ऑफ फंड विद इंटरेस्ट विद अर्न, अगर ज्यादा आ गया तो आप पैसों के ब्याज के समय वापस करेंगे. इसका एक बार आप लोग एक्सरसाइज कर लेना, ठीक है. अच्छा, ईसीबी जरा देख लो, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लो. ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग पहले हमने थोड़ा सा बताया भी था, आप देखो इसमें कुछ ट्रैक है. इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग सिंपल होता है, जो आप विदेशों से कॉमर्शियल लोन लेते हैं, ठीक है. अच्छा ये बताओ, सप्लायर्स क्रेडिट बायर्स क्रेडिट से कैसे डिफरेंट है कॉमर्शियल लोन, कोई बता पाएगा? बोलो, सप्लायर क्रेडिट और बायर क्रेडिट से कैसे डिफरेंट है? सप्लायर क्रेडिट तो एक्सपोर्टर की ओन कंट्री में मिल जाता है उसको ना, थ्रू सप्लायर. नहीं, अपनी कंट्री में कुछ भी नहीं मिलता. अपनी कंट्री में मिलेगा तो उसे एक्सपोर्ट क्रेडिट या इंपोर्ट क्रेडिट बोलते हैं. नहीं, मैं एक्सपोर्टर की कंट्री की बात कर रहा हूँ. या देखो इधर, सेलर बायर अगर ये क्रेडिट देता है खुद सेल्फ तो सप्लायर्स क्रेडिट है, ठीक है. अगर किसी और से दिलवाता है तो फिर क्या है, बायर क्रेडिट. बायर्स क्रेडिट है, लेकिन इनका नाम ट्रेड क्रेडिट कब हो जाता है, सुनिएगा इस पैराग्राफ को ध्यान से. ईसीबी आर कॉमर्शियल लोन रेज्ड बाय एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी एंड शुड कंफर्म द पैरामीटर सच एज मिनिमम मैच्योरिटी. तो इसका एक टेन्योर है कि इससे कम समय के लिए आप नहीं लेंगे, ठीक है. जो सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट होते हैं वो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं. सप्लायर्स क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, लेकिन ईसीबी में एक मिनिमम टेन्योर रखा हुआ है, इससे कम का लोन नहीं लेना आपको. विदेश से परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूज किस किस पर्पज के लिए, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सीलिंग, मैक्सिमम कितना चार्जेस ले सकते हैं वो आपसे. द पैरामीटर टू अप्लाई इन टोटली नॉट ऑन ए स्टैंड अलोन बेसिस. तो टोटली जो क्राइटेरिया है वो एक एक लोन के लिए नहीं है, कुल मिला के जो लोन लिए उनके लिए है. क्या है देखो इसमें, ट्रैक वन, मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 3 से 5 के लिए नहीं है, 3 से 5 तक का लेते हैं उसको ट्रैक वन है. एवरेज मैच्योरिटी 10 लेते हैं उसको ट्रैक टू बोला हुआ है. तीसरा वाला देखो, इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड ईसीबी, यानी आप बाहर से लोन ले रहे हैं और रुपीज में ही ले रहे हैं, उसके लिए 3 to 5 ईयर, ठीक है. तो यहां ये बताया गया है कि 3 कैटेगरी ईसीबी की होती हैं, और जबकि जो ट्रेड क्रेडिट और बायर्स क्रेडिट होते हैं
उसमें इतना लंबा क्रेडिट नहीं मिलता है। जब लंबा क्रेडिट मिलता है तो उसे एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो फॉर्म्स ऑफ ईसीबी में क्या है, परमिटेड रेजिडेंट एंटिटी, और ये इंडियन को मिलता है, बाहर से मिलता है, बाहर के लोगों से क्या है, बैंक से लोन ले लिया आपने, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट यानी आपने अपनी तरफ से कुछ सिक्योरिटी रख के ले लिया, डिबेंचर वगैरह रखे। अब यहां पे एक पॉइंट आया, बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट, ये अगर कब के होते हैं, लॉन्गर पीरियड के होंगे, लॉन्गर पीरियड के होंगे, पीरियड के होंगे, जो कि आप तीन कैटेगरी बताइए ना, तीन से पांच और दस, और दस। किसी का माइक खुला देखो, बंद हो गया, ठीक है। हाँ मैं कह रहा था कि बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट अगर वो लॉन्गर पीरियड के लिए है तो वो ट्रेड क्रेडिट की कैटेगरी में आता है। यहां पे थोड़ा सा मुझे करेक्शन करना पड़ेगा लग रहा है, यहां पे इसने ईसीबी में बायर्स और सप्लायर्स को ऐड कर लिया, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था कि जो लॉन्गर पीरियड के लोन होते हैं वो ईसीबी में आते हैं। द ईसीबी फ्रेमवर्क एनेबल्स परमिटेड रेजिडेंट एंटिटीज टू बोरो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी इन द फॉलोइंग फॉर्म। अब या तो ये ऐसा कहना चाह रहा है कि ईसीबी का जो फ्रेमवर्क है वो इन सब पे अप्लाई होता है, या तो ये कहना चाह रहा है। तो अभी आप केवल ये जो पॉइंट हम लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फाइनेंस लीज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, इन सब में ईसीजी का फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है। ईसीजी फ्रेमवर्क नॉट एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहां पर तो कन्वर्टेबल बॉन्ड या डिबेंचर ले रहा तो मिल रहा है, लेकिन नॉन कन्वर्टेबल ले रहा है तो उसको जो है ईसीबी फ्रेमवर्क में नहीं लेते हैं। इन इंडिया मेड बाय द रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के रेंज में लेंगे इसको। अवेलेबल रूट ऑफ ईसीबी कहां कहां से ले सकते हैं, तो उसने बोला हुआ है फॉर द ऑटोमेटेड रूट द केस आर एग्जामिन्ड बाई ऑथराइज डीलर कैटेगरी वन। ऑटोमेटेड रूट क्या होता है, ऑटोमेटेड रूट वो होता है जिसमें आरबीआई से परमिशन नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। और अप्रूवल रूट वो होता है जिसमें आरबीआई से परमिशन, ये दूसरा लिखा अप्रूवल रूट, अप्रूवल रूट वो होता है जिसमें आरबीआई की परमिशन रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड होती है। ऑटोमेटिक रूट ये होता है जिसमें आरबीआई ने पहले से कह रखा ये काम आप कर लें, इसमें हमें पूछने की जरूरत नहीं है। While the first six form of the borrowing mentioned above can raised both under an automatic approval route or FCB can issued only the approval। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये जितने ऊपर ऑप्शन दिखाए ना, ये सात ऑप्शन से आप बाहर से पैसा ला सकते हैं। तो उसने बोला हुआ है ये छह ऑप्शन जो ऊपर के हैं, ये जो सिक्स ऑप्शन है, ये सिक्स ऑप्शन में, इन सिक्स ऑप्शन में आप अप्रूवल रूट, सॉरी ऑटोमेटिक रूट वाले हैं। ऑटोमेटिक का मतलब आपको कोई भी किसी से परमिशन नहीं लेनी है, लेकिन अगर आप इस तरह से फंडिंग उठाएंगे, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड से उठाएंगे, तो आपको आरबीआई से परमिशन लेनी है। ये लिखा है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स कैन बी इशूड ओनली अंडर द अप्रूवल रूट। यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है ईसीबी का, विच कैन बी रेज फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑटोमेटिक रूट अंडर डिफरेंट ट्रैक। द मैक्सिमम ईसीबी कैन बी रेज फाइनेंशियल ऑटोमेटिक रूट से $750 बिलियन तक, मिलियन डॉलर, मिलियन है,
मिलियन 750 मिलियन डॉलर तक आप उठा सकते हैं। और उससे ऊपर आपको अप्रूवल रूट से ही उठाना पड़ेगा, मतलब गवर्नमेंट को पता रहना चाहिए कि आप उससे ज्यादा उठा रहे हैं। एडीआर और जीडीआर बता दिया था, एडीआर में एक चीज नहीं बताई थी उसको आप समझ लो। वैसे तो कोर्स में बड़े अच्छे अच्छे वीडियो डले हुए हैं, पता नहीं किसने देखे किसने नहीं देखे, लेकिन अगर आप प्रॉपर देखते हैं वीडियो तभी आपको पता लगता है कि आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आज जो हमारी क्लासेस हुई थी उसके वीडियो रिवाइज कर रहा था, इतने अच्छे अच्छे वीडियो बने हुए हैं, आप लोगों ने समय नहीं दिया हो अलग बात है, ठीक है। तो एडीआर को मैंने पहले समझा दिया था, एक बार और समझा देता हूं आपके कहने पर, ध्यान से देखना वन शॉट में। इंटरनेशनल बॉर्डर है, अगर टाटा फॉरेन में जाए, यूएसए में जाए, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाए और वहां की पब्लिक से पैसा ले ले और उस पैसे को इस एक्सचेंज के थ्रू यहां ले आए, ठीक है, तो इसका मतलब वो एडीआर इश्यू कर रहा है। अगर वो इंडिया के लोगों से लेता तो वो क्या इश्यू करता, शेयर। अगर वो इंडिया के लोगों से लेता तो क्या इश्यू करता, शेयर। अगर वो बाहर के लोगों से पैसा ला रहा है तो एडीआर इशू कर रहा है। बोलते डीआर है लेकिन अमेरिका का मामला है इसलिए से एडीआर बोल रहे, और अगर ग्लोबल मामला होता तो उसे जीडीआर बोलते, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहां पे दो तरह की एडीआर होती हैं, एक अनस्पॉन्सर्ड और एक स्पॉन्सर्ड। बहुत ध्यान से देखना, दिस इज एन अरेंजमेंट विच इज नॉट इनिशिएट बाय द कंपनी। अब क्या मतलब हुआ भाई, नॉट है तो अन है, यानी इस काम को टाटा ने खुद नहीं किया और टाटा ने एक कंपनी हायर कर ली, ठीक है, इसको बोलते हैं अनस्पॉन्सर्ड। यानी वो कंपनी उस कंट्री में सारा काम कर रही है ऑन द बिहाफ ऑफ टाटा। और कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट इज जनरेटेड बाई सेटअप बाई वन और मोर यूएस ब्रोकर्स। अनस्पॉन्सर्ड शेयर्स ट्रेड ऑन द ओवर द काउंटर मार्केट, ओवर द काउंटर जो चाहे ले जाए। दीज शेयर आर इश्यूड इन अकॉर्डेंस विद द मार्केट डिमांड, जिसको जरूरत होगी तभी बिकेगा, नहीं होगी तो नहीं बिकेगा। एंड द फॉरेन करेंसी हैज नो फॉर्मल एग्रीमेंट फॉरेन कंपनी विद द डिपॉजिटर। यानी इस एडीआर का उस जो डिपॉजिटरी बैंक है उस फॉरेन कंपनी यानी टाटा का कोई रिलेशन नहीं होता, ठीक है। अनस्पॉन्सर्ड एडीआर आर ऑफन इश्यूड इन द मोर देन वन डिपॉजिटरी बैंक, तीन चार बैंक मिलकर इश्यू करते हैं। ईच डिपॉजिटरी सर्विस ओनली द एडीआर इट हैज इश्यूड। अब मुझे बताओ क्या कोई कंफ्यूजन सा नजर आ रहा है? अच्छा, स्पॉन्सर्ड एडीआर क्या होंगे, चलो ये बता दो। अब स्पॉन्सर्ड, अगर स्पॉन्सर्ड तो वो होगा सर जो उसमें कंपनी खुद स्पॉन्सर करेगा। हाँ, कंपनी वहां जाके सारा काम खुद कर रही है, ठीक है, मतलब जब वो पब्लिक से पैसा मांग रही है खुद ही मांग रही है। हाँ, लेकिन ये नाम उल्टे लगते हैं, मैंने बता दिया। हाँ, इसलिए समझ आया। आपको ऐसा लगेगा कि कोई बाहर की कंपनी सपोर्ट कर रही तो स्पॉन्सर्ड हो गया वो, आपको ऐसा लगेगा कि बाहर की कंपनी कोई मदद कर रही है तो स्पॉन्सर हो गई हो। हाँ, लेकिन इसमें है कि कंपनी नॉट इनिशिएटेड अनस्पॉन्सर्ड, कंपनी इनिशिएटेड, कंपनी एक्टिवली प्रमोट्स द कंपनी, यानी कंपनी खुद स्पॉन्सर कर रही है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। अब ये जो एडीआर होती हैं उसके लेवल हैं, ठीक है, तीन लेवल्स हैं इसके, एडीआर के तीन लेवल हैं, थोड़ा बेसिक देख लो उसमें।
in the most basic type of ADR, where foreign company either don't qualify or don't wish to have their ADR listed on exchange, वो क्वालिफाई नहीं करती है ना, वो अपने एक्सचेंज में लिस्टेड करना चाहती है. तो लेवल वन ADR आर फाउंड ऑन द ओवर द काउंटर मार्केट एंड आर एन इजी एंड एक्सप्रेसिव वे टू गॉज इंटरेस्ट फॉर द सिक्योरिटी इन नॉर्थ अमेरिका. लेवल वन ADR हैव द लीस्ट रिक्वायरमेंट फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज. लेवल वन की ऐसी ADRs होती हैं जिसके लिए कम से कम फॉर्मेलिटी चाहिए, तो वो बिना किसी एक्सचेंज में लिस्टेड हुए उसका ट्रेड कर सकती. अब आया लेवल टू. लेवल टू वाली में का एन एक्सचेंज और कोटेड इन नैसडेक. लेवल टू ADR हैव स्लाइटली मोर रिक्वायरमेंट. भाई ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मेलिटी, मोर फॉर्मेलिटी. और ये फॉर्मेलिटी कहाँ पूरी करनी पड़ती है बोलो? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सर? नहीं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, SEC में. मतलब जैसे हमारे वहां पे सेबी है ना, ऐसे अमेरिका में SEC है. ठीक. अब लेवल थ्री में देखो. विद दिस इज व्हेन एन इनिशियल फ्लोट पब्लिक ऑफरिंग. तो आपको पता है इंडिया में भी जब पब्लिक ऑफरिंग करते हैं तो बड़े तगड़े रूल होते हैं, पब्लिक को कोई बेवकूफ ना बना जाए. ठीक है. और लेवल थ्री ADR आर एबल टू रेज कैपिटल गेन सब्सटेंशियल विजिबल ऑन द US फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है. द एडवांटेज ऑफ ABR आर टू फोल्ड. ये तो खैर मैंने बता दिया था कि भाई ADR के फायदे क्या होते हैं, कि फॉरेन कंपनी को पैसा मिल जाता है और वहां के लोगों को फॉरेन कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है. ठीक है. GDR बस केवल ये है कि जो ग्लोबल एरिया अमेरिका के अलावा जो ट्रेड होती है उसको GDR बोलते हैं. फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं भाई? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड ऐसे बॉन्ड जिसमें जो फॉरेन करेंसी में इशू होते हैं और बाद में इक्विटी यानी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है. तो जो इशूइंग कंपनी है, जैसे मान लिया अगर टाटा इशू करेगी फॉरेन करेंसी बॉन्ड, तो टाटा जो है जो पैसे लेगी, लेकिन जो उसको सर्टिफिकेट देगी वो डॉलर का देगी, फॉरेन करेंसी. और कन्वर्टेबल का मतलब होता है फ्यूचर में वो शेयर में कन्वर्ट किए जा सके, फ्यूचर में वो शेयर में कन्वर्ट किए जा सके. ये कहाँ इशू होंगे सर? वेदर टाटा इशू करा था इंडिया में या फिर अब्रॉड? इंडिया में. मतलब वो ऐसे बॉन्ड दे रहा है कि जिसमें डिनोमिनेशन जो है डॉलर में है, क्योंकि बाहर का आदमी कहता है भैया मैं तो डॉलर लूंगा लेकिन मैं पैसे लगा दूंगा. आपको सर याद हो तो इंडिया ने शुरू किया था रेजिडेंट इंडियन बॉन्ड 99 में या? हाँ, बिल्कुल याद किया था. उसका नाम था मिलेनियम बॉन्ड. हाँ, मिलेनियम बॉन्ड मिले और बहुत पैसा आया था उसमें. बिल्कुल मिलेनियम इंडिया बॉन्ड करके आया था. हाँ, ये आया था 2000 या 2001 में से आया था. ठीक है. कुछ कंडीशन है छोटी सी से देख लेते हैं. इश्यूएंस ऑफ एफसीसी शैल कंफर्म द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन. बॉन्ड इश्यू करने का मतलब है फॉर FDI के रूल को फॉलो करना. ठीक है. और किस सेक्टर में कितने तक का इश्यू कर सकते हैं वो भी फॉलो करना. इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड कितनी है इसकी? 5 ईयर आप लोग बोलोगे. ठीक है. द कॉल एंड पुट ऑप्शन इफ एनी शैल नॉट बी एक्सरसाइज प्रायर टू 5 ईयर. 5 ईयर इशुएंस ऑफ FCCB विदाउट एनी वारंट अटैच्ड. कोई भी जो होगा बिना किसी वारंट अटैच के नहीं इशू हो सकता. इसका मतलब शायद ये होगा कि सर्टिफिकेट इशुएंस ऑफ FD विदाउट एनी वारंट्स अटैच्ड.
इसका मेरे को टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा है कुछ. द इश्यू रिलेटेड टू एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सीडिंग 4%. मतलब ऐसा होता है ना, जब भी कोई फंड लेते हैं तो कहते हैं भैया इस फंड को मैनेज करने में हमारा इतना खर्चा आ गया, हो गया. हाँ. जैसे आप LIC की पॉलिसी लेते हैं तो आप 50,000 की प्रीमियम देते हैं पहली वाली, लेकिन वहां से सर्टिफिकेट कितने का आता है, 41,000 का. तो वो उतने पैसे खर्च हो जाते हैं. उसने कहा 4% ज्यादा खर्चा नहीं लेंगे आप, ठीक है. इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट नॉट एक्सीडिंग 2% इन इश्यू साइज, यानी जब आप पब्लिक से पैसा ले रहे हैं तो आप 2% से ज्यादा खर्चा नहीं लेंगे. जब आप कुछ प्राइवेट लोगों से इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, प्राइवेट का मतलब होता है लिमिटेड टाइप के लोग, मतलब उसकी सूचना बाहर पब्लिक में नहीं आती है, ठीक है. एज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन कंटेंट रेगुलेशन, इतना इतना ये कोई नहीं पढ़ने की जरूरत. अब वो आया एक्सचेंजेबल बॉन्ड की, बॉन्ड की बात कर रहा था ना, इसको देख लो जरा यहाँ पे. देयर वॉज हाउएवर नो मैकेनिज्म वेयर बाय द प्रमोटर्स ऑफ इंडियन कंपनीज कुड अनलॉक वैल्यू ऑफ देयर ग्रुप कंपनी टू रेज फंड अब्रॉड. फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड इतना इतना, अलाउिंग इंडियन कंपनीज टू लिवरेज वैल्यू ऑफ देयर लिस्टेड ग्रुप ऑफ कंपनीज बाई वे ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड. अपनी लिस्टेड ग्रुप कंपनी के लिए कर रही ना. एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन अंडर द अप्रूवल रूट सेल हैव मिनिमम मैच्योरिटी 5 साल. बॉन्ड की 5 साल थी ना ऊपर. जी सर. बॉन्ड आर एक्सचेंजेबल इनटू इक्विटी शेयर अनदर कंपनी. अच्छा, इसमें देखो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड में था उसको उसी कंपनी के शेयर मिल जाएंगे, लेकिन एक्सचेंजेबल बॉन्ड में उसे किसी दूसरी कंपनी के शेयर मिल सकते हैं. फर्क समझ रहे हैं? जो हमारा पहला वाला है उसमें बोला उसी कंपनी के मिलेंगे, ठीक है. इस वाले में बोल रहा है कि दूसरी कंपनी के शेयर मिल सकते हैं. इन एनी मैनर आइदरली होली और पार्टली ऑन द बेसिस ऑफ एनी इक्विटी रिलेटेड वारंट अटैच्ड टू द डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यूएंस ऑफ एफडी सेल कंफर्म टू द प्रोविजन कंटेन इन रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज. ये पॉइंट बोला कि भैया जब भी इशू करोगे तो इन रूल्स को फॉलो कर लेना, ठीक है. जरा इसी के आंसर दे दो. ईसीबी कैन बी अवेल अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल. ऑटोमेटिक, एक ऑटोमेटिक है, एक तो कई बच्चों के बीच में फोन आ रहे हैं, पास हो गए होंगे ना, तो बार बार साउंड मेरी ब्रेक हो जा रही है, इसमें कॉल आ जा रही है ना. इन केस ऑफ अनस्पॉन्सर्ड ADR, चलो इसका आंसर बता दो. द कंपनी हूज शेयर आर लिंक टू द काइंड ऑफ ADR इज टू पे एनी कॉस्ट ऑफ द डिपॉजिट. पहली बात ये बताओ, अनस्पॉन्सर्ड में कंपनी का क्या रोल है? कंपनी कुछ नहीं करेगी. हाँ, कंपनी नॉट इनिशिएटेड, ठीक है. हूज शेयर आर लिंक टू दिस काइंड ऑफ ADR इज टू पे एनी कॉस्ट टू डिपॉजिट. तो कॉस्टिंग भी नहीं बनेगी उसकी. Not required. देखना इसका आंसर क्या है, बुक में आंसर देख के बताइए. Not required. Not required. Not required है, क्योंकि उसने सारा काम किसी और को दे दिया, आप संभालो. The not required. The administration cost involved in issuing ADR are borne by the issuing company in. अगर वो company issuing company है तो कौन सी ADR है? Sponsored. Sponsored. Sponsored ADR. A ADR holder has the option to convert. GDR holder has to option to convert GDR and hold the underlying equity. Share. GDR जो है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन रखती है, ठीक है. अच्छा, अंडरलाइन का मतलब है उसी कंपनी का. FCCB आर सब्जेक्ट टू ऑल रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल टू, ऊपर आया था ना यहाँ पे ECB.
ये एफसीसीबी वाज अंडर ग्रोटा, क्या आंसर दिया हुआ है? ईसीबी ईसीबी ये लिखा हुआ ना, ठीक है, ईसीबी गाइडलाइंस चलते हैं, ठीक है, ये खत्म हो गया चैप्टर क्या? अरे ये तो सच में खत्म हो गया, वाह भाई वाह। अच्छा भाई एक काम करिए, क्लास तो मैं खत्म कर दूंगा, 1-5 मिनट का रैपअप मेरे साथ स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है? चले, हेडिंग यस सर हेडिंग थोड़ा देख लेते हैं क्या बोला होगा। एग्जिम बैंक का ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना, बायस क्रेडिट समझ में आ गया, कॉरपोरेट बैंकिंग में क्या क्या हेल्प करता है वो, मतलब अपने आप एग्जिम बैंक एक कॉरपोरेट बैंक की तरह काम करता है, ठीक है, उसमें वो कई सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, सामने स्क्रीन पे दिख रही है। लाइन ऑफ क्रेडिट दूसरे कंट्री को लोन देता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कोई बंदा बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको फाइनेंस करता है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल वाले उनको सपोर्ट करता है, अदर सर्विसेज है, कंसल्टेंसी है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है, इम्पोर्ट लोन देता है, इंटरनेशनल मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग फंड बना रखा है, 3 कैटेगरी का फंड बना हुआ है, 1-250 वर्ल्ड बैंक के साथ है, 2 और 1 अपना वाला है, IMF 1, IMF 2 और IMF 3 वाला, प्रोडक्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, जो बाहर जनरल कंपनी है उनकी EMI ज्यादा होती है, वही प्रीमियम ज्यादा होती है लेकिन उससे सस्ता ये पड़ता है, एक्सपोर्ट वेंडर डेवलपमेंट लैंडिंग प्रोग्राम चलाता है, अदर कंट्री को देता है 3 से 5 ईयर के लिए वो लोन देता है एग्जिम बैंक लाइन ऑफ क्रेडिट, इसमें वहाँ के बैंक हो सकते हैं, वहाँ की इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं और वहाँ का गवर्नमेंट हो सकती है, RBI की रेगुलेशंस हैं इसमें, फेमास को रेगुलेट करता है, अगर आप नहीं मानेंगे तो 10,000 तक का पेनल्टी लगा सकता है या 2,000 रुपये पर डे अगर आप नहीं मानते हैं फिर भी तो वो कर सकता है, और एक्सचेंज कंट्रोल जो गाइडलाइन होती है उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट NRI फॉरेन सभी चीज़ कवर करी जाती हैं, आर रिटर्न होता है जिसमें फोर्टनाइटली फॉरेक्स ऑपरेशन ऑपरेशन का वो होता है, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, बैलेंस स्टेटमेंट नोस्टो वस्टो के बैलेंस स्टेटमेंट 5 है, FCNR डिपॉजिट है, स्टेटमेंट 8 है NRE NRO का है, NRDSCSR है नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट के बारे में है, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स पूरे डेटाज होते हैं इसमें, स्टेटमेंट ऑफ रेमिटेंस सेंट अंडर लिबरलाइज स्कीम के बारे में, 2,50,000 रुपये पर बंदा भेज सकता है 1 फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च तक, ट्रेड क्रेडिट बायर्स और सप्लायर्स क्रेडिट का जो डिटेल्स मंथली जाता है, XOS में यह है कि 1 मार्च 2014 से पहले वाले आएंगे उससे बाद वाले नहीं आते, BF बिल ऑफ एंट्री है, FEMIS है जो फॉरेक्स डीलिंग रूम के ऑपरेशन के डेली डाटा है वो प्रोवाइड कराते हैं, ECB है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोविंग की जो भी गाइडलाइंस है वो पूरा करता है। हाँ मैं वहाँ जो कंफ्यूज हुआ था ना वो कंफ्यूज इसलिए हो गया था कि बायर्स क्रेडिट और सप्लायर्स क्रेडिट ट्रेड क्रेडिट का पार्ट होते हैं, वो ट्रेडिंग के लिए यूज होते हैं, जबकि अदर जो यू वो होते हैं लोन्स, वो ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा बाहर से कोई 2 करोड़ की मशीन ले उसके लिए बाहर से ही लोन ले ले, समझ रहे हैं बात को? जो हमारी लिस्ट बनी थी ना बहुत लंबी चौड़ी ECB में, उसमें से बायर्स क्रेडिट और ट्रेडर्स क्रेडिट को सप्लायर्स क्रेडिट को ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, यानी वो व्यापार डायरेक्टली ट्रेडिंग से संबंध लिया गया, बाकी और लोन वो ट्रेड डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, मतलब वो मशीन ले रहे हैं
सपोर्ट ले रहे हैं, सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, उसके बाद ट्रेड करते हैं। मुझे लग रहा कई लोग तो पेड वाले जो हैं खाली इसको ऑन करके चले जाते हैं। जरा एक बार सब लोग अपने माइक ऑन करना। हाँ सर, मैं तो बैठा हूँ। सर बैठा है, सर बैठा है। सर करने को बोला, बोलने को नहीं बोला, बोलने को नहीं बोला। कोई बंद मत करना माइक, मत करना माइक अपना। गुड गुड, चलो बंद कर लो, चलो बंद कर लो। सब लोग बैठे, सब लोग बैठे। चलो अच्छी बात है। अरे मुश्किल होता है भाई, 2 घंटे से आप लोग बैठे हुए हैं, आसान काम थोड़ी ना है। चलो फेमा के बारे में है, ऑब्जेक्टिव वगैरह बता दोगे आप। $2.5 लाख 2,50,000 का है। फॉरेन ट्रेवलर के लिए अलाउड है। फॉरेन ट्रेवलर के लिए जो कैश की लिमिट है 50,000 रुपये के बराबर ले आ सकते हैं, ठीक है। नेपाल भूटान प्रोहिबिटेड है। और अगर आप लीबिया इराक के लिए जा रहे हैं तो 5,000 USD करेंसी ले आ सकते हैं, और किसी और कंट्री में 3, लेकिन ईरान और सऊदी उसके सोवियत के लिए, रशियन फेडरेशन के लिए पूरे 50,000 के इक्विवेलेंट आप क्या ले आ सकते हैं, फॉरेन करेंसी ले आ सकते हैं। कोई भी इंडियन 2,000 तक ले सकता है, रख सकता है करेंसी। अगर बाहर से वापस आएंगे तो 180 दिनों में आपको वापस करनी है, और बचा हुआ पैसा आप RFC अकाउंट में डाल सकते हैं, ठीक है। किसी आप प्राइवेट विजिट के लिए जा रहे हैं 2.5 लाख USD तक खर्च कर सकते हैं, रेमिटेंस कर सकते हैं। किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो भी, बिजनेस विजिट के लिए तो भी 2.5 लाख है, पर्सनल विजिट जा रहे हैं तो भी 2.5 लाख है, और कोई हॉस्पिटल डॉक्टर में इलाज करा रहे हैं 2.5 लाख है, अगर उससे ज़्यादा का एस्टिमेट देना पड़ेगा। और आपको स्टडी करने के लिए 2.5 लाख है, उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो आपको फीस की रसीद वगैरह देनी पड़ेगी। अदर रेमिटेंस में अधिकतर लिमिट 2.5 लाख है, मैगजीन के लिए कोई लिमिट नहीं है, कंसल्टेंसी के लिए 10 लाख है, और नॉर्मल उस कंसल्टेंसी के लिए 1 लाख है, ठीक है। ATM वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। लॉटरी, हॉर्स रेसिंग मना है, कोई बैन मैगजीन मना है, और कोई कमीशन आप अपनी ही कंपनी को बाहर कमीशन देने वो उसको आप नहीं दे सकते हैं। इधर टी और टेबोके के अलावा और चीज़ों में आप 10% तक का कमीशन पेमेंट कर सकते हैं। इंडिया वाले लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जॉइंट वेंचर कंपनी में, ठीक है, लेकिन रियल इस्टेट में आप नहीं करेंगे और इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में कर सकते हैं। डायरेक्ट इंग्लैंड में कोई प्लॉट नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं वो विजय माल्या जी सब लोग जाते हैं, वहाँ घर होते हैं उनके, कैसे होते हैं वो वहीं की प्रॉपर्टी, वहीं की कमाई से खरीदते हैं क्या, या कि गरीब आदमी के लिए रूल बना रखे हैं सब। जॉइंट वेंचर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, होली ओन सब्सिडी में कर सकते हैं, और कोई भी कंपनी जो बाहर इन्वेस्ट करती है वो अपने जो शेयर कैपिटल है उसका 100% से ज्यादा नहीं कर सकती। कोई भी बिल वगैरह ड्यू है तो वो 60 डे के अंदर आ जाना चाहिए वापस ड्यू डेट के। AD का रोल है पूरा इसमें, बहुत सारी बातें हैं, पता नहीं कितना आप लोग याद रख पाओगे वहाँ पे, ठीक है।
ओडीआई में तीन कैटेगरी बता रखी है, चार कैटेगरी, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ये रिपोर्ट फॉर्म्स है ना, फोर पार्ट है। मतलब ओडीआई का जो फॉर्म सबमिट होता है, फॉर्म ओडीआई इज अ सिंगल फॉर्म इंट्रोड्यूस बाय आरबीआई टू ऑल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट होगा इंडियन के द्वारा उसका एक सिंगल फॉर्म बना दिया है। ईएफसी आरएफसी हमने एक अकाउंट लेक्चर में बहुत बढ़िया तरह से कवर किए, डीडीए भी हो गया। फिर उसके बाद आ गया फेडाई, फेडाई का बहुत बड़ा रोल है, सारी गाइडलाइंस है, यूनियन मतलब सब लोग उसके मेंबर होंगे, उसमें रेट तय करने का रूल है उसका। बिजनेस आवर्स की बात करें कि 9 से 5 बजे तक होगा इसमें। वर्किंग डे अगर किसी मैच्योरिटी डेट में कोई वो पड़ती है तो उसको पहला वाला दिन जो है उसको वो करता है। और छुट्टियों का जो है 3 दिन पहले पता रहना चाहिए, नॉन हॉलीडे, सैटरडे को काम नहीं होता है। जो नॉन हॉलीडे पता नहीं होती उनको बोला सडन डिक्लेयर्ड हॉलीडे बोला हुआ है। और सडन डिक्लेयर्ड हॉलीडे में क्या बोला हुआ है इसमें, इसमें रूल था ना, इफ 4 इज डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे ऑन आफ्टर वन डे इट विल बी सडन हॉलीडे, इफ डे 4 इज डिक्लेयर एज हॉलीडे प्रायर टू डे 1 हेलो, बीच में आवाज चली जाती है। क्रिस्टलाइजेशन में बोला हुआ है कि रिवर्स रेट में क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट में बोला हुआ है कि जो भी नॉर्मल एक्चुअल ड्यू डेट रेट के लिए कहाँ बोला था इसमें, ओवर ड्यू इंटरेस्ट शैल बी रिकवर्ड। ट्रांजिट पीरियड अलग अलग केसेस में अलग अलग था। एक्सपोर्ट बिल में 25 दिन था, इराक वगैरह नेशन में जाएगा तो 120 दिन था, और अंडर रुपी अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ये अलग अलग 3, 7, 20, 20 ये सब दिए हुए हैं, पता नहीं कितना याद रहेगा आपको। एक्सपोर्ट बिल का कनेक्शन तब माना जाएगा जब नॉस्ट्रो अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। एक्सचेंज रेट कैसे कैसे, अगर सिंपल रिटायरमेंट है तो बिल सेलिंग रेट पे होगा, ठीक है। आप इसको बोल रहे थे अचीवमेंट, क्या इस पॉइंट को बोल रहे थे शायद आप उस समय ना, कि क्रिस्टलाइजेशन और इंपोर्ट बिल बोलता है। आप इस पॉइंट को बोल रहे थे अचीवमेंट, यस सर इसी पॉइंट को। हाँ तो ये क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये रिटायरमेंट थोड़ी है। करेक्ट, क्रिस्टलाइजेशन जो है देखो वो ये एक बिल सेलिंग रेट पे हो रहा है और एक टीटी पे हो रहा है। हाँ मैं बताता रहा हूँ, देखो एक वर्ड है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब होता है, इसी फिगर को देख लें कि ये जो आपका बैंक है, ये बैंक जो डॉलर है वो इसको दे देगा, तो सिंपल वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है आपको, ठीक है। और जब क्रिस्टलाइजेशन करेगा हाँ, ये कुछ यहां पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन इसके उल्टे रेट पर होगा, उसमें होगा टीटी सेलिंग पर होगा, जो इसका क्रिस्टलाइजेशन होगा ना वो टीटी, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट बिल। इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट आप कर रहे हैं एक्सचेंज रेट एज पर द लॉज कॉन्ट्रैक्ट,
हेज कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट इन केस देयर इज नो हेज हेज कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बोल रहा है एक्सचेंज रेट एज पर द हेज कॉन्ट्रैक्ट और अगर हेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो प्रिवेलिंग बिल सेलिंग रेट पर इंपोर्ट बिल इंपोर्ट बिल यहां पर ना टीटी बाइंग रेट आना चाहिए ये क्रिस्टलाइजेशन वाले में वही डाउट था मेरे को भी टीटिंग बाइंग रेट आना चाहिए टीटी क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन मतलब कैंसिलेशन होता है क्योंकि इंपोर्ट बिल का क्रिस्टलाइजेशन बाइंग रेट पर होगा ठीक है एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है जैसा कि गाइडलाइन आएंगी वैसा करेंगे आप और जो क्रिस्टलाइजेशन की पूरा कंट्रोल अब बैंकों को दे दिया है कि आप अपने हिसाब से क्रिस्टलाइज करें ₹10,000 तक का जो फॉरेन करेंसी रेमिटेंस है इमिडिएटली कन्वर्ट इनटू रुपए मतलब वही जैसे इंडिया में आएगा उसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे और उससे ऊपर वाले के लिए रेमिटेंस इन एक्सेस ऑफ द इक्विवेलेंट ऑफ 10,000 शैल बी पेड एक्सक्यूट थ्रू फॉरेन करेंसी इंस्ट्रूमेंट बाकी का पेमेंट जब वो इंस्ट्रूमेंट से आएगा तभी देंगे डिलेड पेमेंट है 2% ओवर द सेविंग बैंक जैसे आपके सेविंग बैंक में कलेक्शन होता है सेम उसी तरह वॉस्ट्रो अकाउंट में कोई ट्रांसफर हो रहा तो A3 फॉर्म में आप वो देंगे उसमें 15 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए अगर नहीं होगा तो 15 दिनों के बाद आप वो कंप्लेंट करेंगे ₹1,000 पर डे पीरियड ऑफ एक्सेस 5 डे फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स और मैक्सिमम इसमें है 10,000 अब ये इतने फैक्ट वहाँ याद रख पाना तब हो सकता है कि एक टॉपिक हो उसका महीने में 5 बार टेस्ट हो जाए तभी हो सकता है सर सही है इतना चीजें हैं और कैंसिलेशन का तो हमने बता ही दिया है परचेज हुआ तो सेलिंग पे होगा बाई हुआ तो परचेज हुआ है तो सेलिंग पे सेल हुआ तो बाइंग पे एक केवल एक चीज मैं उसमें आना चाह रहा हूँ ईसीबी वाले पे ना ईसीबी वाले पे मुझे एक पॉइंट बताना था आपको ये था ना मेरे को यहाँ पे यहाँ लिखना था ट्रेड क्रेडिट में आता है ये किस में आता है ट्रेड क्रेडिट कौन सा वाला जो हमारा बायर्स क्रेडिट और सेलर क्रेडिट है वो आता है हमारा ट्रेड क्रेडिट में और बाकी नॉन ट्रेड क्रेडिट के रूप में ठीक है क्योंकि वो जो लोन ले रहे हैं वो कैपिटल के लिए ले रहे हैं फंड फंड अरेंज कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं और ये जो 6 हैं ये कौन से रूट से हैं ऑटोमेटिक और इसमें एक लिमिट भी है देखो ऑटोमेटिक रूट जो है वो $750 million की है एडीआर का बता दीजिए चलो ठीक है काफी टाइम दिया आपने हाँ जी यूट्यूब वालों से ही बात करते हैं देखिए क्या करते हैं सर 6 बजे का क्लास कौन से टॉपिक में होगा अंकित चाहनी जी रिस्क मैनेजमेंट कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही लग रहा है कुछ जीआईबी वाले कुछ
आज एलआरबी के कोर्स और यूट्यूब वीडियो से मुझे एलआरबी 15 मार्क मिले, मेरा जे आई फर्स्ट अटेम्प्ट मिल गया, मैंने तीनों प्रोग्राम को वीडियो फॉलो किया, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जो पास हो गए। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, शाम को मिलते हैं 6 बजे। ऋषि नाथ जी बोल रहे, नो सर, सिंस वी विल बी गिविंग डॉलर सो इट हैज टू बिल सेलिंग सिंस नॉट हिज, सिंस वी विल बी गिविंग डॉलर्स, डॉलर्स तो रिटायरमेंट में करते हैं लेकिन क्रिस्टलाइजेशन एक मिनट मुझे सोचने दो जरा। सर बिल सेलिंग में होना चाहिए। हाँ वो ठीक लग रहा है यार, एक मिनट में उसको रिविजिट करता हूँ, रुको एक सेकंड, उसको रिविजिट करते हैं यार, एक मिनट देख लेते हैं यार। जो थक गए हैं उनको खाना वाना खाना खाना खा लो भैया, फिर 6 बजे डिले करो, जिसको सुनना है वो सुनते रहना। कहा गया हो कॉलम, कहा था, फिडाई में था ना नीचे, ये है ना, यहां देखो जरा एक बार, ये है हमारा बायर और ये हमारा बैंक, ठीक है। इंपोर्ट बिल का रिटायरमेंट कैसे करेगा, वो अपने वहां से डॉलर देता है, तो इसमें तो रिटायरमेंट वाले में वो सेल कर रहा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब बात करें क्रिस्टलाइजेशन की क्या होती है, जब ये डॉलर बाहर देता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जब ये डॉलर उस बैंक को देता है ना, तो वो क्या करता है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता है, डेबिट करता है, ठीक है, डेबिट करता है डॉलर में, ठीक है, और वो जो है बाहर दे देता है। अब बात आ रही है कि अगर क्रिस्टलाइजेशन करना है उसे, तो क्रिस्टलाइजेशन किसी फ्यूचर डेट में करता है, तो उस दिन वो क्या करता है, कस्टमर का अकाउंट डेबिट करता है किससे, रुपीज से, और रुपीज डेबिट करके वो यहां क्रेडिट दे देता है, तो इससे एलसी मार्जिन मनी का अकाउंट तो एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। कस्टमर से क्या ले रहा है, वो रुपी ले रहा है, कस्टमर से रुपीज ले रहा है। एक ही बिल को वो दो दो तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर सकता ना भाई, जरूरी नहीं कि वो बेसिकली ट्रीटमेंट तो उसने यहां कर लिया, यहाँ कर दिया, बैंक को पे कर दिया, खत्म हुआ, वो रुपी को रुपी अकाउंट डेबिट किया या डॉलर किया उसका मतलब नहीं है सर, उसने पे कर दिया बैंक को, हो सकता है वो उसके इंडियन इंडिया में है तो वो रुपीज अकाउंट को ही डेबिट करके देगा सर, डॉलर को तो करेगा नहीं। नहीं बेसिकली क्या करता है वो एक एलसी मार्जिन मनी अकाउंट जो होता है ना, फॉरेन करेंसी मेंटेन होता है, वही डेबिट करता है वो। अब बात ये आ रही है कि कस्टमर के बिहाफ पे वो डॉलर दे चुका है यस सर। अब वो कस्टमर से क्या वसूलेगा,
उससे वो तो अभी भी रुपए वसूल रहा है, उससे तो रुपए वो तो लेना अभी है। भी रुपए वसूल रहा है। हाँ तो इसका मतलब हुआ कि जो डीलिंग है वो तो यहाँ हो चुकी है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल पेमेंट हो गया मतलब वो। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों केस में सेलिंग ही रहेगा जी सर, है ना। यानी रिटायरमेंट ऑफ इंपोर्ट बिल में सेलिंग है और क्रिस्टलाइजेशन में कन्वर्जन कोई नहीं है। कैंसिलेशन वाला यहाँ सर, कैंसिलेशन वाला रूल नहीं लगेगा बिकॉज कैंसिल नहीं हो रहा, वो कैंसिल में होता। कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, हम लोग सही कह रहे हैं। वो उससे हम लोग कंफ्यूज कर गए, हम लोग क्या, मैं कंफ्यूज कर गया कि वो कैंसिलेशन हो रहा है, क्रिस्टलाइजेशन में कैंसिल ना होके केवल लायबिलिटी उधर ट्रांसफर हो जाती है, ट्रांसफर होती है। तो यस सर। तो ठीक है, तो इंपोर्ट बिल है, इंपोर्ट बिल है तो दोनों केस में क्या आएगा, सेलिंग आएगा। ठीक है, ठीक सर। चलो थैंक यू सो मच। ओके सर। विजेंद्र कुमार जी पूछते हैं LOU और LOC में क्या फर्क है। देखो लाइन ऑफ क्रेडिट किसी इंस्टीट्यूशंस वगैरह को दी जाती है और LOU है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये एक तरह का गारंटी टाइप का होता है कि आप ये ट्रेड करो, ये सामान इनको दे दो, हम इतना पैसा दे देंगे। LOC बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि LOC में डायरेक्ट फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, LOU एक तरह से नॉन फंड बेस्ड टाइप का होता है। ठीक है, थैंक यू ऑल, मिलते हैं 6 बजे।